क्या आप लोगों को सोशल बहुत ही हार्ड लगता है? जी नहीं, ये सब्जेक्ट बहुत ही इजी है अगर आप लोग कंसेप्ट को समझ के पढ़ते हैं तो। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट बुक स्टॉल जाते हैं, गाइड्स लाते हैं एंड उन लोगों को क्वेश्चन आंसर्स बाय हार्ट करना पड़ता है, तो ये तो गलत बात है। अगर आप लोगों को अच्छा मार्क्स लाना है तो आप लोगों को पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा, फिर जाके आप लोग क्वेश्चन आंसर्स बाय हार्ट कर सकते हैं। तो मैं हूँ शिवानी एंड मेरा चैनल का नाम है नोज एक्सप्लेन्ड, और इस चैनल में मैं हर एक चैप्टर नोट्स देकर एक्सप्लेन करूंगी। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग नोट कॉपी लाएं एंड फटाफट नोट्स लिख लीजिएगा जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, जो हाईलाइट करूंगी। तो बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे, मैम प्लीज़ एक्सप्लेन इन हिंदी, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था क्योंकि मुझे हिंदी एकदम ही नहीं आता, एकदम अच्छे से नहीं आता है, बहुत सारा ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है। फिर भी मैंने फ़र्स्ट टाइम के लिए ट्राई किया है हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है क्लास 10 के लिए, सेबा के लिए। ये है पार्टीशन ऑफ बंगाल, एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल मैं टू पार्ट्स पे डिवाइड कर लूँगी। एक होगा पार्टीशन, नेक्स्ट होगा कॉन्सिक्वेंसेस। तो पार्टीशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ब्रिटन्स ने क्या किया था, ब्रिटन्स ही ने ये इसके बारे में क्यों सोचा था, मतलब पार्टीशन के बारे में क्यों सोचा था। एंड कॉन्सिक्वेंसेस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इंडियंस ने वापस किया क्या था, पार्टीशन के बाद इंडियंस का रिएक्शन क्या था, क्या सोचा था उन लोग ने, वो लोग प्रोटेस्ट किया था, मीटिंग किया था या क्या किया था, या चुपचाप वो लोग मान लिया था ब्रिटन्स का ये डिसीशन को। चलो मैं आप लोगों को एक स्टोरी बोलती हूँ। बहुत पहले इंग्लैंड से ब्रिटन्स आए थे इंडिया पे, एंड यहाँ पे वो लोग ने बहुत रिसर्च किया, बहुत सर्वे किया था, एंड उन लोगों को पता चला कि इंडिया बहुत ही रिच कंट्री है। जब उन लोगों को ये बात पता चला तब वो लोगों ने सोचा था कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इसका मतलब बिजनेस कर सकते हैं, एंड ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। ऐसे करते करते वो लोग ने सोचा कि हम लोग कॉलोनाइज भी तो कर सकते हैं, कॉलोनाइज इसका मतलब हम लोग कुछ कुछ जगह को कॉलोनाइज मतलब अपने कंट्रोल पे ले सकते हैं। तो ऐसे ही करते करते वो लोग ने 3 जगह को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, वो था बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। तो ये 3 जगह था जो वो लोग ने कंट्रोल करना शुरू किया था, एंड सिर्फ कंट्रोल नहीं, वो लोग रूल्स भी लिखने लगे। जस्ट इमेजिन, बाहर से कोई आकर यहाँ पे इंडिया पे आकर रूल्स लिखने लगे, और इंडियंस लोगों को यहाँ रहकर उन लोगों का बात सुनना पड़ता था। तो ऐसे सिर्फ रूल्स नहीं लिखते थे, और रूल्स इतना ही ख़राब था कि मतलब इंडियंस बाउंड हो गए थे, इंडियंस को फोर्स किया जाता था कि आप लोग को ये रूल्स मानना ही पड़ेगा, आप लोगों को ये सब करना ही पड़ेगा, टैक्स ज़्यादा ज़्यादा देना ही पड़ेगा। तो ऐसे करते करते इंडियंस मतलब वो लोग एट फर्स्ट सुन रहे थे उन लोगों का बात, लेकिन बाद में इंडियंस को भी पता चलने लगा कि ब्रिटन्स लोग इंडियंस लोगों को यूज़ कर रहे हैं और टॉर्चर कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई एक ऐसा ये था 1857, याद रखना ये ईयर 1857 को क्या हुआ था, सीपॉय म्यूटिनी। इसको फर्स्ट पॉलिटिकल अपहीवल भी बोलते हैं, इसको फर्स्ट पॉलिटिकल अपहीवल भी बोलते हैं। क्योंकि यही फर्स्ट वो इंसिडेंट था जहां पे इंडियंस लोग टोटली ब्रिटन्स के अगेंस्ट थे, याद रखना ये बात। इतना टाइम वो लोग अगेंस्ट नहीं थे, वो लोग सिर्फ सुन रहे थे, वो लोग को डोमिनेट किया गया था, टॉर्चर किया गया था, वो लोग सिर्फ चुप रहे थे और अपने बीच वो लोग डिस्कस कर रहे थे ये सब बात। लेकिन यही फर्स्ट टाइम था जहाँ पे हर एक इंडियन इसको सपोर्ट कर रहे थे, मतलब सिपॉय म्यूटिनी को सपोर्ट कर रहे थे, एंड दे वर अगेंस्ट द ब्रिटन्स। ये इंसिडेंट के बाद ब्रिटन्स लोग सच में बहुत कन्फ्यूज हो गए थे। वो लोग सोच रहे थे, चलो मैं ड्राइंग में इतना भी अच्छी नहीं हूँ फिर भी एक रफ ड्राइंग कर लेती हूँ। तो ब्रिटन्स लोग बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे इंडियंस का ये यूनिटी देखकर। तो वो लोग ने ये सोचा कि उन लोग में एक लीडर थे और वो थे लॉर्ड कर्ज, जो बहुत ही शातिर थे। उन्होंने क्या सोचा कि अगर यहाँ पे सब लोग यूनाइटेड, एकदम पूरा यूनाइटेड थे और फिर हमारे अगेंस्ट थे, हम लोग क्या करेंगे, मतलब ब्रिटन्स लोग क्या करेंगे, चलो हम लोग एक काम करते, और वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था ये याद रखना। लॉर्ड कर्जन के लिए हम लोगों को इतना बड़ा चैप्टर पढ़ रहा है, लेकिन वरना ये चैप्टर होता ही नहीं हम लोगों का, अंडरस्टूड। तो लॉर्ड कर्जन की वजह से उन्होंने क्या सोचा कि चलो एक काम करते हैं, क्योंकि बंगाल तो बहुत ही बड़ा एरिया था, और
यहाँ पे सब हिंदूज मुस्लिम सब लोग थे, तो चलो इसको ही डिवाइड कर देते हैं, इसको ही डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे वो लोग ने ये बात क्यों सोचा था, क्योंकि वो लोग ने सोचा था अगर हम लोग हिंदूज और मुस्लिम्स को सेपरेट कर देते हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स, अगर हम लोग हिंदूज और मुस्लिम्स को सेपरेट कर देते हैं तो उन लोगों का यूनिटी ब्रेक हो सकता है एंड वो लोग हमारे अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते और हम लोगों को वीक नहीं बना सकते, क्योंकि अभी उन लोगों का वीकनेस यही था कि इंडियंस लोग यूनाइटेड थे। तो लॉर्ड कर्जन ने ये चालाकी किया था कि ये कॉन्स्पिरेसी था उन लोगों का, कॉन्स्पिरेसी मतलब वो लोग छुप छुप कर ये मतलब प्लान कर रहे थे, सिर्फ ब्रिटेंस को ये बात पता चला मतलब पता था, लेकिन इंडियंस लोगों को क्या बोला था, इंडियंस लोगों को बोला था अरे नहीं बंगाल बहुत ही बड़ा जगह है ना, तो अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये छोटा छोटा टुकड़ा में छोटा छोटा टुकड़ा अगर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं तो अच्छे से मतलब ये कंट्रोल हो सकता है, रूल कर सकते हैं अच्छे से। तो इंडियंस को डाउट होने लगा, फिर धीरे 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 इंडियंस को भी पता चल गया था कि उन लोगों का मेन प्लान क्या था। एट फर्स्ट मतलब उन लोगों को भी तकलीफ हुआ, लेकिन बाद में तकलीफ इसलिए हुआ था क्योंकि बंगाल इतना बड़ा जगह था, वो लोग सब लोग एक साथ मिलके रहते थे, एक साथ एक फैमिली की तरह रहते थे, और अभी अगर डिवाइड का नाम आ गया तो वो लोग तो ये हो गए, अपसेट होंगे, वो तो सैड होंगे। तो बाद में उन लोगों को ये पता चला एंड फिर बाद में क्या हुआ, वो लोग ने बहुत प्रोटेस्ट किया था, बहुत प्रोटेस्ट किया था। दिस विल बी पार्टीशन ऑफ, चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में इसको सेकंड पॉलिटिकल अपहीवल भी बोलते हैं। ना फर्स्ट पॉलिटिकल अपहीवल कौन सा पढ़ाया था मैंने, सिपॉय म्यूटनी फर्स्ट पॉलिटिकल अपहीवल, क्योंकि यही फर्स्ट टाइम था जहाँ पे इंडियंस लोग ब्रिटेंस के अगेंस्ट थे, और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल ये सेकंड पॉलिटिकल अपहीवल होगा क्योंकि ये सेकंड टाइम था जहाँ पे इंडियंस वापस ब्रिटेंस के अगेंस्ट थे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज मतलब पढ़ने मिलेगा। था एक रफ एक्सप्लेनेशन, चलो अभी हम लोग हर एक पॉइंट डिटेल में पढ़ते हैं। तो 1857 मैंने क्या बोला था, 1857 को क्या हुआ था, सिपॉय म्यूटनी शॉर्ट में लिख रही हूँ। यहाँ पे 1905 को क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल अभी अगर हम लोग एक लाइन खींच देते हैं तो 1905 के बहुत देर बाद हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला, ये 1947। तो हम लोग 1600 पकड़ लेते हैं, 1600 ये पकड़ लेते हैं जहाँ पे ब्रिटेंस लोग इंडिया पे आए थे और उन लोगों का ट्रेड ये सब शुरू किया था। फिर 1765 में क्या हुआ था, अलाहाबाद ट्रीटी। इस ट्रीटी में क्या हुआ था, अलाहाबाद ट्रीटी का मतलब है अग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ था, अग्रीमेंट किसके बीच हुआ था, मुगल एम्पायर शाह आलम और ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं शॉर्ट में फिर से लिख रही हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लिफ। हाँ, तो इन दोनों के बीच अग्रीमेंट हुआ था कि मुगल एम्पायर ईस्ट इंडिया कंपनी को तीन जगह देंगे, वो है बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ये तीन जगह कौन किसको देगा, मुगल एम्पायर ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। तो बंगाल, बिहार, ओडिशा, तो ये इस अग्रीमेंट के थ्रू उन लोगों को तीन जगह मिल गया था आराम से, और उन लोगों का बंगाल एरिया पूरा और भी ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो अगर मैं ऐसे ही रफ ड्राइंग कर देती हूँ तो सोच लो ये बिहार है, ये बंगाल, ये ओडिशा। तो ये बंगाल तो पहले छोटा ही था, तो अभी तो और भी बड़ा हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे, ये समझ में आ गया होगा शायद, ये तो पूरा क्लियर हो गया शायद। नेक्स्ट 1773 में क्या हुआ था, इसका मतलब 1765 पहले आया था, फिर 1773
3। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मतलब ब्रिटन्स यहाँ पे आने के बाद वो लोग ने क्या शुरू किया था, वो लोग ने रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखना शुरू किया था और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंडियंस लोगों को मानना ही पड़ता था। तो चलो मैं ये रब कर देती हूँ। यहाँ पे 1773 पे वो लोग रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था, रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था। और यहाँ पे रेगुलेट का मतलब क्या है, हर एक पॉइंट यहाँ पे जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को 1 मार्क या 2 मार्क या 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लो। तो रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम था जहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने रूल्स लिखा था। तो यहाँ पे वो लोग ने ये लिखा कि गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल। तो क्योंकि बंगाल तो बहुत ही बड़ा एरिया हो गया था, तो इसलिए गवर्नर नहीं, क्योंकि हर तीन जगह, मैंने पहले ही बोला था तीन जगह था उन लोगों का, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये पहले से आके ही वो लोग ने मतलब कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया था। ये तीन जगह मिलने के बाद वो लोग ने क्या किया था, ये तीन जगह पे गवर्नर था। ओके, तो गवर्नर करने के बाद गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल बना दिया था। तो ठीक है ये बात। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ये देख लेंगे, बंगाल यहाँ पे हेड बना दिया गया था। बंगाल को और एक नाम से भी जानते थे वो लोग, फोर्ट विलियम। तो याद रखना, बंगाल को और एक नाम से भी जानते थे, फोर्ट विलियम। तो इसको दो पार्ट पे डिवाइड कर दिया था, दो पार्ट नहीं मतलब इसका जो पहले से ट्रेड सेंटर जो था वो था बॉम्बे और मद्रास, दिखाई देता है शायद, ओके, ये था बॉम्बे और ये मद्रास होगा। और ये क्या बन गया था, सबऑर्डिनेट, मैं चलो ऊपर ही लिख देती हूँ, ये बन गया था सबऑर्डिनेट और ये भी सबऑर्डिनेट बन गया था। इसका मतलब हेड कौन होगा, बंगाल रहेगा हेड, और इसके नीचे, बंगाल के नीचे ही मतलब सबऑर्डिनेट कौन रहेंगे, बॉम्बे और मद्रास, बाकी दो ट्रेड सेंटर जो ब्रिटिश लोगों को मिला था। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। और ये याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या है कि कैसे वो लोग सोच रहे थे, ब्रिटिश लोग सोच रहे थे कि कैसे इंडियंस को हम लोग कंट्रोल करेंगे, कैसे हम लोग रेगुलेट करेंगे। याद रखना, रेगुलेट से आता है, तो ये याद रखना। सो हाउ दे वॉन्टेड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द इंडियंस, इसीलिए ये सब बनाया था। तो सिर्फ ये नहीं, वो लोग तीन और जगह पे भी वो लोग मतलब फील्ड पे ये प्रोफिशिएंट होना चाहते थे, जैसे सेंट्रल में वो लोग रूल करना चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग अपना ये उन लोगों का प्रेजेंस दिखाना चाहते थे, एंड पॉलिटिकली। तो ये सब तीन एरियाज़ पे वो लोग धीरे 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 घुसना चाहते थे, सो दैट वो लोग अच्छे से कॉलोनाइज कर सके इंडियंस लोगों को। ऐसे ही बंगाल में रहते रहते उन लोगों को, बंगाल के आसपास जो इलाका था उन लोगों को ये भी मिल गया था, इसलिए यहाँ पे ये सब जगह उन लोगों को मिला था। जैसे It was controlled by Lieutenant Governor of Bengal up to 1874. क्यों up to 1874? क्योंकि इस समय वो लोग एक सेपरेट स्टेट बना दिया था, एक सेपरेट स्टेट मतलब एक अलग सा स्टेट बना दिया था, जिसका नाम था असम, उन लोगों ने सेपरेट बना दिया था। लेकिन उसके पहले 1874 के पहले ये सब जगह बंगाल का ही हिस्सा था। तो ये सब जगह उन लोगों को कब मिला था, ब्रिटिश लोगों को कब मिला था, ब्रह्मपुत्र वैली उन लोगों को मिला था 24 फरवरी 1826 को, कच्छर मिला था 1832, खासी हिल्स मिला था 1833 को, एंड जयंत हिल्स 35 को, प्रोविंस ऑफ मोटोक एंड सदिया मिला था उन लोगों को 1839 को, प्रोविंस ऑफ खमती 1843, प्रोविंस ऑफ सिंगफो 1843, सेम ईयर होगा ये दोनों, एरिया ऑफ अंगमी नागा हिल्स 1854 को। तो ये सब जगह बंगाल के साथ इंक्लूडेड थे
1874 के पहले तक, उसके बाद असम एक सेपरेट स्टेट बन गया था। तो इस टाइम क्योंकि बंगाल तो ये सब जगह को लेकर बंगाल था ना, तो उस समय बंगाल का पॉपुलेशन, बंगाल का एरिया कितना बड़ा था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो टोटल एरिया ऑफ बंगाल एट दैट टाइम वॉज 2,53,000 स्क्वायर माइल एंड टोटल पॉपुलेशन कितना था, 4,60,00,000। तो सच में एरिया बहुत ही बड़ा था और फिर पॉपुलेशन भी बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तो इसीलिए लॉर्ड कर्जन मतलब टेंशन में पड़ गए थे, तो कैसे मतलब ये करे, कैसे मतलब इसको डिवाइड करे, कैसे मतलब कंट्रोल करे करे। और मेरा हिंदी बीच बीच पे अटक जा रहा है, तो डोंट माइंड फॉर दैट। तो कैसे मतलब ये कंट्रोल करे और कैसे इन लोगों को फिर से डोमिनेट किया। 1873 के बाद ब्रिटेंस रूल्स के ऊपर रूल्स बनाते गए और डोमिनेट करते लगे, करने लगे इंडियंस को। इतना डोमिनेट, इतना टॉर्चर कि लास्ट पे इंडियंस लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो लोग ने रिवोल्ट किया, वो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मतलब इंडियंस लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि कितना टाइम और ये ब्रिटेंस लोग टॉर्चर करेंगे, कितना टाइम और वो लोग डोमिनेट करेंगे। बाहर से कोई आया और फिर यहाँ पे आने के बाद टॉर्चर करने लगे ये इंडियंस को, ये क्या बात है भाई। तो इंडियंस लोग गुस्सा हो गए थे और फिर फाइट करने लगे। ये याद रखना, सिपॉय म्यूटनी 1857 को। फिर उसके बाद इंडियंस ने सब लोग मिलकर ब्रिटेंस के अगेंस्ट फाइट किया था। तो ये देखते ही ब्रिटेंस एकदम पूरा डर गए थे। वो लोग ने सोचा, हे भगवान अभी क्या होगा, सब लोग तो मिले हुए हैं, अभी हम लोगों को तो भगाएंगे। तो उनमें से लॉर्ड कर्जन एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने सोचा कि चलो हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि बंगाल बहुत ही बड़ा एक एरिया है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन उसके पहले, बंगाल को डिवाइड करने के पहले, हम लोगों को असम एक छोटा सा एरिया हम लोगों को निकालना पड़ेगा, इसका मतलब छोटा सा एक एरिया बनाना पड़ेगा, वो है नॉर्थ ईस्ट पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो पहले ये बंगाल का पार्ट ही था। तो उन लोगों ने सोचा कि असम को पहले सेपरेट कर लेते हैं, फिर जाके हम लोग बाकी काम करेंगे, बंगाल को डिवाइड करेंगे। तो असम कब फॉर्म हुआ था, 7 फरवरी, असम 7 फरवरी 1874 को। यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ 1874, यहाँ पे क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ असम। तो बंगाल को पार्टीशन करने से पहले वो लोगों ने असम को पहले एक अच्छा सा रीजन बना दिया था, एक छोटा सा रीजन बना दिया था जो कि नॉर्थ ईस्ट पे थे। तो नॉर्थ ईस्ट तो पहले एक बंगाल का हिस्सा ही था, लेकिन बाद में ब्रिटेन स्ट्रोक डिवाइड करने के बाद असम सेपरेट कर दिया। तो अभी देखो असम में कौन सा जगह मतलब पार्ट थे, या तो इंग्लिश में अगर बोलूँ तो दीज वर द एरियाज दैट वर अ पार्ट ऑफ असम, ये सब जगह असम में थे। समझ में आया शायद। तो कौन सा जगह, फर्स्ट होगा ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली यानी कि जो एरिया ब्रह्मपुत्र रिवर के सामने है, वो सब एरिया बन गया असम, असम का पार्ट हिस्सा हो गया, जैसे गोलपाड़ा, कामरूप, नौगांव, दारंग, लखीमपुर एंड शिवसागर। तो ये सब असम का हिस्सा बन गया। नेक्स्ट बना था खासी और जयंतिया हिल्स। अभी खासी और जयंतिया हिल्स कहाँ पे है, मेघालय पे। तो अभी तो सेपरेट असम सेपरेट है, मेघालय सेपरेट, नागालैंड सेपरेट है, ये सब सेपरेट है, सेपरेट स्टेट्स हैं, लेकिन बहुत पहले वो लोग एक साथ ही थे। तो खासी एंड जयंतिया हिल्स वर अ पार्ट ऑफ असम, नागा पहाड़ वर अ पार्ट ऑफ असम, गारो हिल्स, अगेन गारो हिल्स कहाँ पे है, मेघालय पे है, कच्छर असम का ही एक पार्ट है, और श्रीहत्ता बांग्लादेश का एक पार्ट है। सो दीज वर द एरियाज दैट फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ असम, एंड टुगेदर ये सब मिलकर असम बना था। नेक्स्ट, अभी असम फॉर्म करने के बाद यहाँ पे कोई गवर्नर नहीं होगा, यहाँ पे चीफ कमिश्नर होगा, और मतलब सिलेक्ट किया गया था चीफ कमिश्नर, और वो थे कॉलोनल R.H. और उनके बाकी मेंबर्स। ये तो सेपरेट कर दिया था, मतलब असम तो सेपरेट कर दिया था। अभी वो लोग ये कंफ्यूज थे कि बंगाल इतना बड़ा एरिया को कैसे सेपरेट किया जा सकता है। तो बंगाल में उस समय कौन से जगह थे, बिहार,
बंगाल और उड़ीसा, ये तीन जगह तो थे ही बंगाल पे। तो अभी ये लोग सोच रहे थे कि मतलब कैसे ये किया सकता, मतलब कर सकते हैं, कैसे ये डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे भी कुछ लोग थे, मतलब कुछ चीफ कमिश्नर्स थे जो लोग आए थे लॉर्ड कर्जन के पास, और वो लोग सजेशन दे रहे थे, अपना प्रपोजल दे रहे थे कि ऐसे कीजिए, ऐसे डिवाइड कीजिए, ऐसे कीजिए। तो उन्होंने मतलब ऐसे जस्ट डिवाइड नहीं कर दिया सब लोगों का बात सुनकर, उन्होंने अच्छे से देखा, फिर जाके पार्टीशन किया। तो पहले वो बाद में आएगा, अब लोग ये देख लेते हैं। तो उड़ीसा का जो ये है वायसराय, वायसराय उस समय क्या था, वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जी हाँ, वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक, यहाँ पे लिख देती हूँ, वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक। उन्होंने बोला कि मुझे बंगाल के साथ और नहीं रहना है, मुझे सेपरेट एक स्टेट चाहिए, उड़ीसा को पूरा सेपरेट कर दो। क्यों? क्योंकि उस समय फैमिन चल रहा था। फैमिन का मतलब ऐसा एक क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल डिज़ास्टर है, एक ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर है जिस समय मतलब बहुत लोग मारे गए थे भूखे रहने की वजह से। मतलब उन लोगों को खाना नहीं मिलता, और खाना नहीं मिलते मिलते मतलब खाना नहीं खाते खाते क्या हुआ, उन लोग वो लोग खाना नहीं मिलते ही मतलब वो लोग मर गए। तो इसको क्या बोलते हैं, फैमिन बोलते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि इतना बड़ा एरिया है तो उड़ीसा को सेपरेट कर दीजिए, मुझे उड़ीसा बंगाल के साथ नहीं चाहिए, सेपरेट कर दीजिए ताकि मैं सिर्फ उड़ीसा को अच्छे से संभाल सकूँगा। सो दैट्स वाई दे वॉन्टेड, ही वॉन्टेड सेपरेशन फ्रॉम बंगाल। ये एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने सिर्फ सुना, कुछ किया नहीं, उनको ये फर्स्ट सजेशन था। नेक्स्ट क्या हुआ, ओके मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, फर्स्ट ये सजेशन था कि उड़ीसा बंगाल से सेपरेशन चाहिए, उड़ीसा बंगाल से सेपरेशन चाहिए। सेकेंड एडवाइस जो उनको मिला था, या तो सेकेंड प्रपोजल जो उनको मिला था, ये था कमिश्नर, चीफ कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश यहाँ अगर हम लोग पकड़ लेते हैं, मध्य प्रदेश अगर यहाँ पे पकड़ लेते हैं, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक काम करो, मतलब लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन को बोला कि एक काम करो, उड़ीसा मुझे दे दो, उड़ीसा मुझे दे दो, मध्य प्रदेश मेरे साथ रहेगा, और यहाँ से बंगाल से संभलपुर एक जगह है वो मुझे चाहिए। तो उनको उनको कौन से जगह पे चाहिए, कौन से जगह चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उनको चाहिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तो उनके पास ऑलरेडी था, प्लस उड़ीसा चाहिए, प्लस संभलपुर, ये कहाँ पे है, बंगाल पे है, ये बंगाल पे है। तो ये था सेकंड एडवाइस, सेकंड प्रपोजल जो लॉर्ड कर्जन को दिया गया था, मतलब ऐसे कर दीजिए और बाकी सब एक सेपरेट कर दीजिए। तो लॉर्ड कर्जन ने ये भी सुना। असम का दूसरा ये चीफ कमिश्नर जो था वो था, हाँ यहाँ पे जो चीफ कमिश्नर था वो था एंड्रयू फ्रेज़र, ये याद रखना, इसका चीफ कमिश्नर जो था ये था एंड्रयू फ्रेज़र। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बाद में भी चाहिए हम लोगों को, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड्रयू फ्रेज़र। फिर असम का जो चीफ कमिश्नर था वो बाद में चेंज हो गए थे, बहुत पहले तो ये कॉलोनल आर एच कीटिंग्स था, ये याद है शायद, आर एच कीटिंग्स, तो ये बाद में बहुत चेंज हो गए थे। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ असम के बारे में, नहीं छोड़ो यहाँ पे लिख देती हूँ, चीफ कमिश्नर कौन था, चीफ कमिश्नर था कौन था, बैमफिल्डे फुलर। बैमफिल्डे फुलर ने क्या बोला, एक काम करो, लॉर्ड कर्जन को बोला एक काम करो, मुझे ये दे दो, चट्टग्राम दे दो, बंगाल से एक जगह दे दो चट्टग्राम, और चट्टग्राम मुझे मिलने से क्या होगा, यहाँ पे टी बहुत अच्छे से मतलब ग्रो होता है, टी अगर अच्छे से बहुत ग्रो होता है तो उन लोगों का बेनिफिट होगा, मतलब असम को बेनिफिट होगा, और ये असम को बेनिफिट होने से उन या ब्रिटेन्स लोग बेनिफिट हो जाएंगे। तो इसलिए बोला कि असम कौन से जगह चाहिए, असम प्लस चट्टग्राम, असम प्लस चट्टग्राम।
तो ये दोनों जगह किसको चाहिए? असम को चाहिए. तो फर्स्ट वाला क्या था? सेपरेशन ऑफ ओडिशा एंड बंगाल. सेकंड वाला क्या था? मध्य प्रदेश प्लस ओडिशा प्लस संबलपुर ऑफ बंगाल. और इसका ये चीफ कमिश्नर था एंड्रयू फ्रेजर. नेक्स्ट वाला क्या था? बैनफील्ड फुलर ने क्या बोला? मुझे असम और चट्टग्राम दे दीजिए. तो ये था प्रपोजल और ये था सजेशन जो लॉर्ड कर्जन को मिला था. लेकिन उनको ये सेटिस्फाइड नहीं था, उन वो सेटिस्फाइड नहीं थे ये कर्जन को. तीन लोगों ने ऑलरेडी सजेशन दे चुके थे. एक थे वाइसरॉय लॉर्ड नॉर्थब्रुक, दूसरे थे एंड्रयू फ्रेजर जो चीफ कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश थे, और दूसरा वाला थे चीफ कमिश्नर ऑफ असम जो कि थे जे बैनफील्ड फुलर. नेक्स्ट नंबर फोर्थ जो व्यक्ति है वो है विलियम ईवर्ड. विलियम ईवर्ड ये कौन थे? ही वॉज द न्यू चीफ कमिश्नर ऑफ असम. उन लोगों में चीफ कमिश्नर या तो गवर्नर बार बार चेंज होते रहते थे, तो ये याद रखना ये न्यू चीफ कमिश्नर ऑफ असम थे. नेक्स्ट वो कब से कितना टाइम से कितना टाइम तक वो मतलब चीफ कमिश्नर थे असम पे? 1894 से 96 तक थे. उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, असम मुझे दे दीजिए. असम तो ऑलरेडी है ही उनके पास. असम प्लस चट्टग्राम भी दीजिए. चट्टग्राम प्लस टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ढाका. टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ढाका उनको चाहिए प्लस मयमनसिंह. तो ये दोनों जगह बंगाल पे है, मतलब बंगाल पे है, और ईस्टर्न बंगाल मतलब अभी बांग्लादेश पे है. तो दैट्स वाई इन्होंने बोला कि मुझे असम दीजिए, चट्टग्राम दीजिए, टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ढाका दीजिए एंड मयमनसिंह दीजिए. क्यों इनको ये तीनों जगह एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? क्योंकि टी बिज़नेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए और ज़्यादा बेनिफिट मिलने के लिए इन्होंने बोला था कि ये भी दे दीजिए मुझे. लेकिन फिर भी लॉर्ड कर्जन सेटिस्फाइड नहीं थे. रिमेंबर ही वॉज द फोर्थ पर्सन टू गिव द सजेशन. ये फोर्थ व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब लॉर्ड कर्जन को सजेशन दिया था. फिर भी लॉर्ड कर्जन सेटिस्फाइड नहीं. एंड्रयू फ्रेजर कौन थे? वो थे चीफ कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश. अभी वो वहाँ से बंगाल पे आ गए और उनको क्या बना दिया गया था? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल. तो एंड्रयू फ्रेजर क्या बन गए थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल. तो लॉर्ड कर्जन तो ऑलरेडी कंफ्यूज थे. चार लोगों ने ऑलरेडी उनको डिसीशन दिया लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे. वाइसरॉय ऑफ ओडिशा, फिर नेक्स्ट कौन? चीफ कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश, चीफ कमिश्नर ऑफ असम, नेक्स्ट थे नया वाला न्यू चीफ कमिश्नर ऑफ असम वो विलियम, पहले वाला था जे बैनफील्ड, नेक्स्ट वाला कौन थे? विलियम ईवर्ड. अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर इनको बना दिया गया था, तो लॉर्ड कर्जन ने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था और फिर बोला था कि चलो ये आप ही बना लो, अभी इसको आप ही मतलब मैप रेडी करके बता दो. इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि एक काम करो, असम रख लो प्लस चट्टग्राम दे दो. चट्टग्राम प्लस ढाका प्लस राजशाही, ये चार जगह को मिलाकर एक जगह बनाने के लिए ये बोला था. मतलब ईस्टर्न तरफ की तरफ, ईस्टर्न साइड की तरफ बनाने के लिए बोला था. और ये भी बोला था क्योंकि ये अगर जगह मिल गया था तो उन लोगों को अगर मिल जाता तो ये टी एक्सपेंड करने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा. तो ये बनाने के बाद उन्होंने लॉर्ड कर्जन को कब सबमिट किया था? सबमिट कब किया था? 28 मार्च 1903. ये याद रखना है, 1903, और पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 को हुआ था. 1905, तो ये 1903 को बस सबमिट ही किया गया. तो लॉर्ड किसको सबमिट किया? लॉर्ड
कर्जन को सबमिट किया, लॉर्ड कर्जन को सबमिट किया. अभी इन्होंने, लॉर्ड कर्जन ने तो डायरेक्ट डिसीजन नहीं लिया, इन्होंने फिर से और एक आदमी से डिस्कस किया इसके बारे में. किसके साथ डिस्कशन किया, किसके साथ डिस्कशन किया? हर्बर्ट रिशले. हर्बर्ट रिशले उनके साथ डिक्लेयर, मतलब डिस्कस किया कि ये क्या, ऐसे हो सकता है कि नहीं, ऐसे हो सकता कि नहीं. और ये कौन थे फिर, ये फिर कौन थे? ये थे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो वो कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. रिमेंबर, इंडिया का ही थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये हम लोगों को बाद में भी मिलेगा, इसलिए ये अच्छे से मैं बोल रही हूँ. ये हम लोगों को बाद में भी बोल मतलब मिलेगा. तो इसलिए ये लॉर्ड कर्जन ने इनके साथ डिस्कस किया, फिर इन्होंने बाकी मेंबर्स के साथ डिक्लेयर किया. तो फाइनली ब्रिटेन्स ने ये प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, ब्रिटेन्स ने ये प्रपोजल को एक्सेप्ट किया. और इनको ये प्लान को क्या मतलब नाम दिया था उन लोगों ने? द मिनट ऑन द, द मिनट ऑन द टेरिटोरियल, टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. डबल नहीं होगा, सिंगल होगा. ओके, तो इनको क्या माना गया था? द मिनट ऑन द टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. तो ब्रिटिश लोगों ने ये प्लान को ये माना था, द मिनट ऑन द टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया. क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना, बंगाल के कुछ पार्ट्स रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना, तो इसलिए मिनट ऑन द टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया. फिर हर्बर्ट रिशले ने इंडिया पे ही ऑफिशियली कब डिक्लेयर किया ये चीज़ को? इंडिया में ही ऑफिशियली कब डिक्लेयर किया इसको? ऑफिशियली 6 दिसंबर 1903 को डिक्लेयर किया था. और ये प्लान को और एक नाम से भी जानते थे, वो थे रिशले पेपर्स. तो इसको और एक नाम से भी जानते हैं क्या? रिशले पेपर्स. तो हाँ, यहाँ पे हम लोग फाइनली ये देखेंगे कि चार आदमी देने के बाद कुछ काम ही नहीं हुआ, लेकिन एंड्रू फ्रेजर का ये डिसीजन एकदम पूरा फाइनली एकदम एक्सेप्ट किया. देख लिया था कि मतलब एंड्रू फ्रेजर ने कैसे पूरा चीज़ को डिवाइड किया था. तो अभी और एक बार हम लोग पूरा देख लेते हैं कि कैसे पूरा एक बड़ा एक बंगाल को कैसे टू हाफ पे डिवाइड किया गया था. फर्स्टली वेस्ट बंगाल, और इस तरफ क्या है? ईस्ट बंगाल, यानी कि ईस्ट बंगाल यानी कि बांग्लादेश, अभी जो बांग्लादेश है, ईस्ट बंगाल एंड असम. तो ईस्ट बंगाल को असम के साइड ज्वाइन कर दिया. और वेस्ट बंगाल पे कौन सा जगह होगा? यहाँ पे बंगाल जो कि एक छोटा सा एरिया था, छोटा सा एरिया, और ज़्यादातर बाकी एरिया से मतलब ये भर गया था, जैसे बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर, ये सब वहाँ पे थे, प्लस ढाका, चट्टग्राम, राजशाही, प्लस असम, और ये सब मिलकर कितना डिस्ट्रिक्ट्स थे? 15 डिस्ट्रिक्ट्स. रिमेंबर दिस वन. यहाँ पे कैपिटल मतलब कौन सा जगह था? कलकत्ता था, और यहाँ पे ढाका. यहाँ पे फिर से पॉपुलेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा चीज़ ही बहुत इम्पॉर्टेंट है. पॉपुलेशन यहाँ पे कितना था? 5.4 करोड़. और उनमें से हिंदूज थे 4.2 करोड़, और मुस्लिम्स थे 90,000. इसका मतलब ये है कि हिंदूज़ बहुत थे यहाँ पे, हिंदूज़ बहुत थे और मुस्लिम्स कम थे. नेक्स्ट, यहाँ पे पॉपुलेशन कितना थे? 3 करोड़ 10 लाख. हिंदूज़ कितना थे? 1.2 करोड़ और मुस्लिम्स थे 1.8 करोड़. तो इस हिसाब से हम लोग ये देख पाते हैं कि मुस्लिम्स 1.8 करोड़ थे, इसका मतलब मुस्लिम ज़्यादातर थे वहाँ पे, मेजॉरिटी मुस्लिम थे. तो हाँ, लॉर्ड कर्जन क्या चाहते थे? ही वांटेड टू डिवाइड द यूनिटी बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स. हिंदूज और मुस्लिम्स का यूनिटी जो है वो लोग मतलब लॉर्ड कर्जन और उनके मेंबर्स वो लोग डिवाइड करना चाहते थे. और ये तो सच में हो गया, हिंदूज इस तरफ और मुस्लिम्स इस तरफ. लेकिन और एक डिसएडवांटेज जो मतलब हम लोगों को मिला था, मतलब बंगाल को हुआ था, वो था स्मॉलर पार्ट ऑफ बंगाल.
क्यों स्मॉलर पार्ट? क्योंकि बाकी ये सब जगह के लोग जो थे यहाँ पे, ये लोग पॉलिटिकली लेस कॉन्शियस थे. और बंगाल पे जो बंगालीज थे, जो हिंदू बंगालीज थे, वो लोग पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस इसलिए थे क्योंकि उन लोगों को ये पता चल गया था कि लॉर्ड कर्जन ने ये कॉन्स्पिरेसी रखा था. एंड मतलब रीज़न क्या था, मतलब लॉर्ड कर्जन के ये पूरा बंगाल को डिवाइड करने के पीछे. तो इसलिए वो लोग अभी देखो स्मॉलर पार्ट ऑफ बंगाल, लेस बंगालीज हु वेयर पॉलिटिकली मोर कॉन्शियस. तो इसलिए वो लोग अभी कैसे फाइट करें, ये तो पूरा डिवाइड ही हो गया ना. पहले वो लोग एक साथ थे, वो लोग प्रोटेस्ट कर सकते थे, रैली कर सकते थे, मीटिंग कुछ होने से वो लोग मीटिंग कर सकते थे. तो अभी तो ये पूरा डिवाइड ही हो गया. नेक्स्ट, यहाँ पे हिंदूज हम देखते हैं कि बहुत कम है और मुस्लिम ज़्यादातर. तो मोर मुस्लिम्स बट दे वर पॉलिटिकली लेस कॉन्शियस. तो देखो यहाँ पे फिर और एक डिसएडवांटेज जो था वो है दे वर पॉलिटिकली लेस कॉन्शियस. तो दैट्स वाई द हिंदूज दे वर वेरी मच वीक. उन लोगों का मेन मोटिव यही था कि हिंदू बंगालीज जो थे, हिंदू बंगाली स्कॉलर्स जो थे, इंटेलेक्चुअल्स जो थे, उन लोगों का ये ट्रिक्स, मतलब ब्रिटेंस को भगाने का ट्रिक्स, ये कम हो जाए. इसीलिए वो लोग ने डिवाइड किया था. और इंडियंस को क्या बोला था याद है, लॉर्ड कर्जन और उनके मेंबर्स लोग क्या बोला था इंडियंस को, हम लोग क्यों डिवाइड कर रहे हैं? ये लोग बोल रहे थे कि ये बहुत ही बड़ा जगह है, हम लोग कैसे कंट्रोल करें. तो इसलिए हम लोग डिवाइड करने से हम लोग अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे. ऐसे बोला जैसे कि इंडियंस के पास दिमाग ही. लोगों को हर्बर्ट रिशले के बारे में अच्छे से पता है, वो कौन थे? वो थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन इंडिया. लेकिन इसका मतलब इंडिया पे ही वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, इसका मतलब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था सिर्फ इंडिया में ही देखना. और लॉर्ड कर्जन और उन्होंने मिलकर सिर्फ इंडिया पे ही वो लोग ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था ये बात को. और वो लोग ने उस प्लान को क्या माना था, रिशले पेपर्स, याद है? तो अभी ये चीज़ 1903 को हुआ था और ये चीज़ अभी तक इंग्लैंड के लोगों को नहीं पता था. तो लॉर्ड कर्जन ने अभी क्या हुआ था, क्या किया था? हम लोगों को तो पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 को. और यहाँ पे ऑफिशियली कब डिक्लेयर हुआ था, 1903 को. तो कंफ्यूज मत होना, ये वाला इम्पोर्टेंट बहुत है, बहुत इम्पोर्टेंट है. सेकेंड फरवरी 1905 अभी होगा मेन बात हम लोगों का. तो 2 फरवरी 1905 को क्या हुआ था, लॉर्ड कर्जन जैसे हर्बर्ट रिशले के साथ डिस्कस किया था इंडिया पे, अभी हर्बर्ट रिशले फिर से इंग्लैंड पे भेजेंगे ये बात को, मतलब ये पूरा प्लान के बारे में, मतलब हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे बंगाल को, ऐसे डिवाइड करेंगे, कारण क्यों है ये वो एक्सेट्रा. तो लॉर्ड कर्जन ने अभी क्या किया था, सेंट द प्रपोजल किसको सेंड किया था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया इन लंडन. इसका मतलब लंदन पे ये बात को वहाँ पे भेजा था. और लंदन में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया कौन थे, वो थे जॉन ब्रॉडरिक. अभी 9 जून को क्या हुआ था, 9 जून 1905 जॉन ब्रॉडरिक, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, ये बात को फिर से इंडियन गवर्नमेंट को पहुंचाया. ओके, ये बात जान लो, लॉर्ड कर्जन ने अगर यहाँ पे इंडिया में ऑफिशियली अगर डिक्लेयर ही हो गया था तो वहां पे क्यों भेजा था फिर से, फॉर नेसेसरी अप्रूवल, इसको अप्रूव करने के लिए, ये कि तुम लोग ठीक से काम कर रहे हो, करो तुम लोग जो कर रहे हो, मतलब परमिशन मिलने के लिए, तो इसीलिए भेजा था. नेक्स्ट, जॉन ब्रॉडरिक ने इसको एक्सेप्ट किया. जॉन ब्रॉडरिक ने ये प्लान को अच्छे से देखा कि हाँ ये ठीक है कि नहीं. अच्छे से देखने पर इन्होंने बोला, मतलब फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ठीक है, अप्रूव कर दिया. और फिर बोला कि ठीक है तुम लोग करो, तुम लोग जो करना चाहते हो. और फाइनली थ्रू टेलीग्राम इन्होंने किसको बोला ये बात,
इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट तो इंडियंस नहीं थे वहाँ पे, वो लोग ब्रिटेंस ही थे, तो इंडियंस इंडियन गवर्नमेंट को वहाँ पे बोल दिया था ये बात. नेक्स्ट कब हुआ? 19 जुलाई 1905. ये बात फाइनली पब्लिश हो गया. इट वॉज पब्लिश्ड. फाइनली इंडियन गवर्नमेंट को पता चल गया, ये परमिशन मिल गया. अभी इंडिया में वो लोग ने क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया. सब लोगों को, सब इंडियंस को ये पता भी चल गया था कि मतलब वो लोग ऐसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे. तो इंडियंस को पता चल गया था 19 जुलाई को. नेक्स्ट 1 सितंबर 1905. ये इंडियंस को सिर्फ बोला था मतलब कि ऐसे होगा वैसे होगा, पब्लिश किया था, लेकिन ऑफिशियली उन लोगों का काम कब हुआ था, ऑफिशियली उन लोगों ने कब डिक्लेयर किया था, 1 सितंबर 1905 को डिक्लेयर्ड ऑफिशियली. और 16 अक्टूबर 1905 इम्प्लीमेंटेड. तो ये ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है. 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली इम्प्लीमेंट किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, इम्प्लीमेंटेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो इस तारीख को ऑफिशियली डिक्लेयर किया था उन लोगों ने, जो भी मैप्स ऐप ये सब रेडी करना, जो भी ऑफिशियली जो भी काम था, ये इसको पूरा डिवाइड कर दिया था, अच्छे से ये कर दिया था. एंड नेक्स्ट इस तारीख से सब लोग सेपरेट हो गए, फाइनली वो लोग सेपरेट हो गए. लेकिन ये तो ये गुड न्यूज़ था ब्रिटेंस के लिए, लेकिन ये इंडियंस लोगों के लिए ये बहुत ही एक सैड न्यूज़ था. और हम लोग बाद में भी देखेंगे कि इस ये दिन को वो लोग मॉर्निंग डे भी मानते थे. नेक्स्ट हम लोग और एक बात भी मतलब अगर आप लोगों को मतलब याद रखना है तो याद रखना, कैसे याद रखना, 2 फरवरी जैसे याद रखना वैसे 2 फरवरी, 9 जून, 9 का ऑपोजिट यहाँ पे, ये ऑपोजिट नहीं मतलब 10 प्लस कर देने से क्या होता है, 19 होता है, तो 19 वन मंथ प्लस कर दो तो क्या होगा, जुलाई, 19 जुलाई, और 1 सितंबर और 16 अक्टूबर. तो 16 अक्टूबर ये याद रखना है कि अक्टूबर में दुर्गा पूजा होता है, और दुर्गा पूजा किसका फेवरेट मतलब ये है, किसका मेन फेस्टिवल है, बंगालीज का. तो बंगाल में पार्टीशन हुआ था कौन से मंथ को, अक्टूबर के मंथ को, कौन से तारीख को, 16 अक्टूबर. और ये तो याद रहेगा 1905 को पार्टीशन हुआ था. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे, ये तो फाइनल हो गया. अभी नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे कि मतलब कितना फेजेस में काम करके वो लोग मतलब ये चीज़ को काम कंप्लीट किया, कितना फेजेस में वो लोग ने काम को कंप्लीट किया, ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट ये देखते हैं कि मतलब कितने भागों में पार्टीशन किया गया था बंगाल को. फर्स्ट फेज में हम लोग ये देखेंगे कि नया जो ईस्टर्न साइड जो बंगाल था उसका नया नाम क्या था, वो था ईस्टर्न बंगाल एंड असम. नेक्स्ट इसका कैपिटल क्या था, कैपिटल शिलोंग. ये पुराना कैपिटल था इसलिए मैं ओल्ड लिख देती हूँ यहाँ पे, टू ढाका न्यू. अच्छा यहाँ पे ओल्ड हम लोगों को तो शिलोंग कभी भी नहीं मिला. तो याद रखना जब 1874 को असम सेपरेट हुआ था, याद है उसके बारे में, तो 1874 को जब असम को सेपरेट कर दिया गया था तो उसका कैपिटल कौन सा था, कौन सा जगह था, शिलोंग था. तो अभी क्योंकि ये नया जगह बन गया था तो इसलिए शिलोंग से ढाका पर वो लोग ने मतलब ये शिफ्ट कर दिया. नेक्स्ट एडमिनिस्टर्ड मतलब किसने रूल, कौन रूल करता था ये पूरा जगह को, लेफ्टिनेंट गवर्नर. याद रखना ये चीज़, ये तीन काम हुआ था फर्स्ट फेज में. सेकंड फेज में अभी क्या हुआ था, सेकंड फेज में हम लोग ये देखेंगे क्योंकि बंगाल तो पूरा एक बड़ा सा जगह था बहुत पहले, डिवीजन के पहले तो एक ही जगह पे कोर्ट था, वो था कलकत्ता पे. कलकत्ता पे एक कोर्ट था और वहीं पे हर कुछ केस मतलब होता था, मतलब उस काम केस का और जो भी काम था ये सब होता था. नेक्स्ट व्हाट हैपेंड,
जब ये मतलब डिवीजन हो गया तो वो लोग ने ब्रिटेन्स लोग ने डिक्लेयर किया कि विधाका पे एक नया कोर्ट होगा और वहाँ पे मतलब जो भी केस है वहाँ पे मतलब लाया जाएगा। नेक्स्ट वो लोग ने ये भी सोचा कि तब तक जितना दिन तक मतलब ढाका पे नया कोर्ट नहीं बनता तो इतना टाइम वो लोग कहाँ पे ये मतलब कोर्ट का काम करेंगे, कलकत्ता पे आके ही करेंगे। न्यू कोर्ट ढाका बनाएंगे और टिल देन कलकत्ता High court to be used. ये समझ में आ गया होगा शायद। तो न्यू कोर्ट मतलब वो लोग बनाएंगे ढाका पे, बनाएंगे, नहीं बनाया अभी तक। तो इतना दिन तक वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कलकत्ता हाई कोर्ट पे मतलब जाएंगे और ये सब काम करेंगे। नेक्स्ट थर्ड फेज में क्या हुआ था, इस तरफ का बंगाल का काम जो भी था ये पूरा हो गया। अभी हम लोग वेस्ट बंगाल का देखेंगे। वेस्ट बंगाल में कौन सा जगह था याद है? बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा प्लस छोटा नागपुर। तो ये चार जगह मिलकर वेस्ट बंगाल बन गया था। नेक्स्ट हम लोग ये भी देखेंगे और इसका कैपिटल क्या था, कलकत्ता। फोर्थ फेज में हम लोग ये देखेंगे कि इट वॉज फाइनली टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन 16 अक्टूबर 1905। मैंने पहले भी बोला था ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 16 अक्टूबर 1905। तो याद रखना कितने फेजेस में ये काम किया गया था, फोर फेज। स्टार्ट करने से पहले मैंने ये चैप्टर को टू पार्ट्स पे डिवाइड किया था, एक था पार्टीशन, नेक्स्ट था कॉन्सिक्वेंसेस। तो पार्टीशन में हम लोग ने ये पढ़ा कि कैसे ब्रिटेन्स ने इंडिया को डिवाइड करने के लिए अपना पॉलिसी यूज़ किया था, और नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस में ऐसा क्या इंडियंस ने किया था ब्रिटिश लोगों के साथ ताकि उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल ना हो। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बोलने वाली हूँ वो है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैम ने अपना टूटी फूटी हिंदी यूज़ किया है सिर्फ हम लोगों को समझाने के लिए, सिर्फ हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर करने में और ताकि हम लोग अच्छे से मार्क्स लाए एग्ज़ाम में, तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब और बेल बटन भी क्लिक कर देना, क्योंकि मैं वीडियोस अपलोड करते रहूँगी तो रेगुलर अपडेट्स मिल जाएगा आप लोगों को। ब्रिटिश का ये डिसीशन को इंडियंस नहीं मान सकते थे, क्यों? क्योंकि वो लोग पहले से ही यूनाइटेड थे, और जब उन लोगों को ये पता चला कि ब्रिटिश लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू किया था और इसीलिए मतलब सोचा था इसीलिए वो लोग ने डिवाइड किया, तब वो लोग और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए, मतलब इंडियंस लोग ज़्यादा ही गुस्सा हो गए। तो अभी वो लोग ने रेडिली एक्सेप्ट नहीं किया ये डिसीशन को, जितना भी मतलब ब्रिटेन्स इम्प्लीमेंट कर दे, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दे, करने दो, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे। इंडियंस का यही बात था, हम लोग नहीं मानेंगे। तो इसीलिए वो लोगों ने बहुत सारा प्रोपेगेंडा प्लान किया था और ये था एंटी पार्टीशन प्रोपेगेंडा। तो ये पढ़ने से पहले हम लोग और एक चीज़ भी देख लेते हैं जो इंडियंस लोगों ने किया था। तो ABRQS ये याद रखना, ये चलो मैं लिख देती हूँ, अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, ए फॉर अरविंद, बी फॉर बिपिन चंद्रपाल, आर क्यूब, इसका मतलब 3 R है, यहाँ पे फर्स्ट होगा रविंद्रनाथ टैगोर, नेक्स्ट R होगा राज बिहारी बोस, नेक्स्ट होगा रमेंद्र
सुंदर त्रिवेदी एक्सेट्रा। तो यही थे वो फ्रीडम फाइटर्स, जिन लोगों को ये पता चल गया था कि ब्रिटेन्स का ये पॉलिसी क्या था, कॉन्स्पिरेसी क्या था। फिर उन लोगों ने क्या किया, मीटिंग शुरू किया था, क्योंकि पार्टीशन के पहले, पार्टीशन जब चल रहा था उस समय, तो उन लोगों को मतलब वो लोग ने कुछ भी नहीं किया था, वो लोग सिर्फ देख रहे थे क्या कर रहे हैं ये लोग, ब्रिटेन्स लोग क्या प्लान कर रहे हैं, ये पार्टीशन सच में करेंगे कि नहीं करेंगे। पार्टीशन करने के बाद फिर वो लोग फील्ड पे आ गए और फिर नंबर वन मीटिंग स्टार्ट किया। मीटिंग इसलिए शुरू किया सो दैट इंडियन सिटीजन्स जो है, इंडियन सिटीजन्स लोग आएंगे, सुनेंगे इन लोगों का बात, और इन लोगों का बात यही मतलब वो लोग और भी नेशनल अवेयरनेस को स्प्रेड करेंगे, सब लोगों को अवेयर करेंगे, सब लोगों को अलर्ट करेंगे कि ब्रिटेन्स लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप लोग रेडी हो जाओ, आप लोग अलर्ट हो जाओ, अवेयर हो जाओ कि ब्रिटेन्स का बात को हम लोग मतलब नहीं सुन सकते हैं। तो इसलिए मीटिंग्स रखा गया था एंड राइटिंग्स। इवन राइटिंग्स के थ्रू भी मतलब वो लोग अवेयर करना चाहते थे आदमी लोगों को, मतलब सिटीजन्स लोगों को, सो दैट राइटिंग्स, उन लोगों का राइटिंग, कोई भी स्टोरी हो, कोई भी ड्रामा हो, कोई भी पोएम हो, ये सब पढ़ने के बाद भी वो लोग, ताकि ये सब पढ़ने के बाद ही मतलब ब्रिटेन्स के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, वैसे भी ये हो सकते हैं। नेक्स्ट सिग्नेचर कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन रखा था जहाँ पे मतलब वो लोग ने ये रीज़न रखा था, ये लिखा था कि मतलब अगर आप लोग मतलब पार्टीशन को नहीं मानते हैं तो साइन कर दीजिए यहाँ पे। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, ये जस्ट एग्जांपल मैं जस्ट बोल रही हूँ, अगर आप रेडी नहीं है पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ तो यहाँ पे नीचे साइन करना पड़ेगा। तो असली कुछ और ही था, मतलब कुछ और ही लिखा था, मतलब ये कंटेंट था। तो बहुत सारे इंडियंस वो लोग रेडी नहीं थे, तो कितना साइन मिला उन लोगों को पता है, इंडियंस के साथ, इंडियंस कितना, इंडियंस ने मतलब साइन किया था 70,000 इंडियंस साइंड। हाँ, अब ये 70,000 इंडियंस साइन करने के बाद वो लोग ने किसको सबमिट किया, तो देखा इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, नॉट इवन 700, सिर्फ 700 सिटीजन्स ये नहीं थे, लेकिन 70,000, ओके इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो ये चीज़ को कहाँ पे वो लोग ने सेंड किया था, सेंट टू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन इंडिया। इसका मतलब इंडिया पे जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था उसके पास भेजा गया था। तो याद है बहुत पहले ये कौन था, हर्बर्ट रिशले, जिसके साथ लॉर्ड कर्जन ने पहले डिस्कस किया था, वो हर्बर्ट रिशले। तो यहाँ पे मैं ओके तो सेंड टू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन इंडिया, तो यही पॉलिसी वो लोग ने शुरू किया था। फिर धीरे धीरे ये चलता गया। तो क्या आप लोगों को लगता है कि मतलब ब्रिटेन्स ने एक्सेप्ट किया ये चीज़ को, अच्छा बाप रे 70,000 ने साइन किया कि पार्टीशन नहीं चाहिए, चलो हम लोग नहीं करेंगे। वो लोग ऐसे नहीं करेंगे, ब्रिटेन्स लोग बहुत चालाक थे, वो लोग ऐसे नहीं किया, वो लोग ने डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट कर दिया इसको, मतलब ये क्या है, वो लोग ने एक्सेप्ट ही नहीं किया इसको, पूरा डिसरिस्पेक्ट कर दिया था। और पहले से इंडियंस लोग तो ऑलरेडी मतलब गुस्सा थे ही, क्योंकि एजुकेशन और जो भी चीज़ है वो लोग इंटरफेयर कर रहे थे, हर समय इंटरफेयर करते थे, ब्रिटेन्स लोग हर समय इंटरफेयर करते थे, एजुकेशन हो या मीडिया हो या कुछ भी हो, न्यूज़पेपर हो, हर समय इंटरफेयर करते थे, तो ऑलरेडी वो गुस्सा था ही। तो इंडियंस ने क्या किया था, अगर इसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया तो नेशनल मूवमेंट पे उतर गए थे वो लोग ने सोचा कि हम लोग एकदम नेशनल मूवमेंट करेंगे और ये चीज़ को हम लोग स्टॉप करेंगे, पार्टीशन नहीं होने। याद है हर्बर्ट रिशले ने कब इंडिया पे ऑफिशियली डिक्लेयर किया था, लॉर्ड कर्जन के साथ डिस्कस करने के बाद, 6 दिसंबर 1903। तो 6 दिसंबर 1903 से 19 जुलाई 1905, इस तारीख को क्या हुआ था, हर्बर्ट रिशले ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था इंडिया पे ही, और
इस तारीख को क्या हुआ था, ब्रिटेन्स ने फाइनली ये डिसीशन को पब्लिश कर दिया था कि मतलब फाइनली हम लोग पार्टीशन कर देंगे। तो जब इंडियंस को इस तारीख को पता चला कि मतलब ऐसा कुछ होने वाला है, पार्टीशन के बारे में कुछ होने वाला है, तब से इतना तारीख तक, पब्लिश होने के पहले तक, वो लोग ने बहुत प्रोटेस्ट किया, बहुत ही प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि वो लोग मन से नहीं चाहते थे कि ये पार्टीशन हो। वो लोग ने बहुत पॉलिटिकली स्ट्रगल किया था ताकि ये इस चीज़ को स्टॉप कर सके। फिर इसलिए इस पार्ट को ये भी बोला गया है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अपहीवल, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अपहीवल, अपहीवल, द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अपहीवल, मतलब सब लोगों ने, सब इंडियंस ने किया था। नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ेंगे तो नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ेंगे फिर इंडियंस ने स्वदेशी मूवमेंट भी शुरू किया था। स्वदेशी मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब क्या है? स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या है? Not using foreign goods, but instead they would be using homemade goods. Foreign goods वो लोग use नहीं करेंगे, foreign goods इसका मतलब Britain's का जो goods है वो लोग use नहीं करेंगे, और homemade goods जो भी होता है, Indians लोग जो भी कुछ बनाते हैं, जो भी कुछ ये होता है, वो लोग वो चीज़ को use करेंगे। इसका मतलब क्या, वो लोग इंसल्ट कर रहे थे ब्रिटेन्स को, वो लोग इग्नोर कर रहे थे ब्रिटेन्स को कि तुम लोगों का चीज़ हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोग सेटिस्फाइड है, हम लोग खुद का चीज़ हम लोग खुद यूज़ करेंगे, हम लोग सेटिस्फाइड है, नहीं चाहिए तुम लोगों का चीज़, तुम लोगों का चीज़ तुम लोगों को, मुबारक हो। सो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ, फॉरेन गुड्स क्रॉस होम मेड गुड्स। तो हर समय याद रखना स्वदेशी, स्वदेशी गुड्स इसका मतलब होममेड गुड्स मतलब एक्सेप्टेबल था, और फॉरेन गुड्स एकदम एक्सेप्टेबल नहीं। तो इंडिया में जब भी वो लोग मीटिंग्स रखते थे या तो कुछ भी प्रोटेस्ट करते थे, वो लोग को शांति में नहीं मिलता था, क्योंकि ब्रिटेन्स लोग आके एकदम पूरा हंगामा कर देते थे, एकदम पूरा मार पीट एकदम पूरा करते थे, तो इसीलिए मीटिंग्स भी ठीक से नहीं कर सकते थे। तो वो लोगों ने सोचा कि राइटिंग एक अच्छा सा वेपन है, एक बेस्ट वेपन है, जिससे हम लोग अवेयर कर सकेंगे लोगों को। तो ऐसा ही एक आर्टिकल लिखा गया था, कब लिखा था, 6 जुलाई 1904 को लिखा गया था, और ये आर्टिकल का नाम क्या था, बोंगेर सर्वनाश। बोंगेर सर्वनाश मीन्स व्हाट, बंगाल्स डिस्ट्रक्शन। तो ये था बंगाली में बोंगेर सर्वनाश, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द जर्नल संजीवनी, संजीवनी जो जर्नल है उसमें पब्लिश किया गया था, और इसका एडिटर कौन था, कृष्ण कुमार मित्र। ये इंपॉर्टेंट है, वन मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रोटेस्ट मीटिंग, वो लोग ने प्रोटेस्ट मीटिंग रखा था, और फर्स्ट प्रोटेस्ट मीटिंग कितना तारीख को हुआ था, 14 जुलाई 1905 को हुआ था, और कौन से जगह पर हुआ था, खुलना बागेरबाड़ी। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रोटेस्ट मीटिंग तीन जगह पर हुआ था, 16 जुलाई 1905 किशोरगंज, 17 जुलाई 1905 को पबना पे। तो तीन जगह पे फर्स्ट प्रोटेस्ट मीटिंग हुआ था। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कुछ मतलब ये कॉलेज का, जैसे रिपन कॉलेज का स्टूडेंट्स लोग भी पार्टिसिपेट किया था ये प्रोटेस्ट पे, और ये लोग कितना तारीख को प्रोटेस्ट किया था, 18 जुलाई 1905। तो ये पूरा कॉन्टिन्यूस है, ये याद रखने में ईजी होगा। डिसीशन फाइनली पब्लिश, याद है 19 जुलाई को क्या हुआ था, 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ था, ये लोग फाइनली पब्लिश कर दिया था, ब्रिटेन्स लोगों ने फाइनली पब्लिश कर दिया था इंडिया पे, जब उन लोगों को, क्योंकि 1905 है तो उन लोगों को फर्स्ट परमिशन कहाँ से मिला था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन लंडन, याद है जॉन ब्रॉडरिक ने परमिशन दिया था, फिर जाके टेलीग्राम के थ्रू थे इंडिया में भेजा, फिर पब्लिश किया था। तो यही वो डेट है, तो ये इसको याद रखने में बहुत ही ईजी है, मतलब ये आसान। सेकेंड प्रोटेस्ट मीटिंग कब हुआ था, सेकेंड प्रोटेस्ट मीटिंग 20 जुलाई 1905 को हुआ था, ये था, ये हुआ था दिनाजपुर पे, और ये किसने रखा था, किंग ऑफ दिनाजपुर, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया है। एंड प्रपोजल वॉज पास टू बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, प्रपोजल पास टू बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, मैंने पहले भी बोला था कि वो लोग ने क्या किया था, फॉरेन गुड्स बॉयकॉट किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही तारीख को सब लोग एक साथ मिलके ये करेंगे,
जगह जगह पे ये शुरू हुआ था, मीटिंग्स पे, कभी ये मीटिंग्स पे बोला गया था, कभी नेक्स्ट डे को किसी और जगह पे ये मीटिंग पे बोला गया था, तो धीरे धीरे ये चीज़ पूरा शुरू हुआ था। नेक्स्ट हम लोग 30 जुलाई 1905 को क्या हुआ था, हम लोग ये देखेंगे कि वास्ट स्टूडेंट्स रैली शुरू हुआ था एंड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ रिपन कॉलेज। हाँ, रिपन कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत पहले से ही इन्वॉल्व थे, वो लोग एकदम पूरा अलर्ट हो गए थे कि ब्रिटिश लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, इसलिए वो लोग भी एकदम पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया बाकी लीडर्स के साथ। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे 7 अगस्त 1905, ये याद रखना कि अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन हुआ था, उसके पहले ये सब हो रहा था। तो चलो 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, ह्यूज पब्लिक मीटिंग एट कसिम बाज़ार कलकत्ता। तो कौन सा जगह, देखो कसिम बाज़ार कलकत्ता पे हुआ था इस तारीख को अंडर द प्रेसिडेंशिप ऑफ महाराजा मनेंद्र चंद्र नंदी। तो यहाँ पे कौन से राजा या तो कौन से किंग मतलब रखा था मीटिंग को, महाराजा मनेंद्र चंद्र नंदी, ये फिर से इंपॉर्टेंट है, अनलर्न कर दिया मैंने। स्टूडेंट्स रिसाइट अ पेट्रियाटिक सॉन्ग ऑफ मुकुंदा दास। मुकुंदा दास उस समय एक पेट्रियाटिक सॉन्ग भी लिखा था हर एक इंडियंस के लिए, तो वो क्या था, पेट्रियाटिक सॉन्ग का नाम क्या था, हे बंगा जनानी स्वर्ण प्रसवनी, यस, हे वंग जनानी स्वर्ण प्रसवनी, तो ये था पेट्रियाटिक। स्टूडेंट्स यूनियन वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक स्टूडेंट्स यूनियन भी फॉर्म किया था और वो लोग ने पिकेटिंग भी शुरू कर दिया था। पिकेटिंग का मतलब दुकान सुकान सब बंद रखना, स्ट्राइक करना, तो ये इसको बोलते हैं पिकेटिंग। और वो लोग ने बहुत सारे फॉरेन गुड्स को भी जला दिया था। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे 23 सितंबर को क्या हुआ था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रैली शुरू किया गया था राजा बाज़ार पे ही। एंड वो कौन मतलब प्रोटेस्ट रैली किसने रखा था, बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स। मुस्लिम लीडर्स कौन कौन थे, अब्दुल रसूल, हलीम गजनबी, लियाकत हुसैन, मोहम्मद इस्माइल चौधरी, तो ये सब मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने बड़ा एक प्रोटेस्ट रैली रखा था राजा बाज़ार पे। और ये एक हिस्टोरिक फुट मार्च, क्यों हिस्टोरिक फुट मार्च, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसे फुट मार्च नहीं रखा गया था, कभी भी ऐसा प्रोटेस्ट रैली नहीं रखा गया था, बिकॉज इट वाज अ ह्यूज अमाउंट, इट वाज बहुत सारे लोग आए थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे वहाँ पे। इट वाज आल्सो अ सिंबल ऑफ सोशल हार्मनी। व्हाई सिंबल ऑफ सोशल हार्मनी, बिकॉज ये सब किया गया था ताकि देश में शांति आए, शांति लाया जाए। और शांति क्यों, ये करने से कैसे शांति होगा, ये करने से ज़रूर शांति होगा, क्योंकि अगर ये किया, अगर मतलब ये लोग प्रोटेस्ट किया तो ब्रिटिश लोग थोड़ा तो कुछ सोचेंगे ना कि चलो हम लोग पार्टीशन नहीं करेंगे, अगर ऐसा होता है तो वो लोग शांति में ही रहेंगे, तो इसीलिए इसको ये क्या बोला गया है, इट वॉज़ अ सिंबल ऑफ सोशल हार्मनी। नेक्स्ट पीपल ऑफ ऑल कास्ट पार्टिसिपेट, हर कोई कास्ट का व्यक्ति पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो अपर कास्ट हो या लो कास्ट हो, सब लोग पार्टिसिपेट किया था, बिकॉज वो लोग मन से नहीं चाह रहे थे कि पार्टी। जिस दिन का डर था उन लोगों को, वो दिन आ ही चुका था, वो था 16 अक्टूबर 1905। उसी दिन को इम्प्लीमेंट हो भी गया था कि पार्टीशन हो जाएगा अभी बंगाल। उस दिन को इसलिए वो लोग मानते थे नेशनल मॉर्निंग डे। क्यों नेशनल मॉर्निंग डे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सैड डे, वो लोग के लिए एकदम सैड डे था। वो लोग सच में नहीं चाहते थे कि बंगाल पार्टीशन हो, ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू करें, तो इसीलिए इसको नेशनल मॉर्निंग डे माना गया था, जहाँ पे हर कोई मतलब हैप्पी नहीं थे, हर कोई व्यक्ति मतलब बहुत सैड थे। नेक्स्ट रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी, उन्होंने तो इस दिन को ये भी बोला था कि कोई भी नहीं पकाएगा उस दिन घर पे, कोई भी नहीं, इसका मतलब सब लोग ऐसे रहेंगे, बिकॉज इफ़ दे कुक, अगर वो लोग कुक करते हैं, खाते हैं, तो सैडनेस का क्या है, वो लोग तो सैड नहीं है ना, तो ये चीज़ से वो लोग और भी मतलब ज़्यादा बोलना चाहते थे कि यस वी आर रियली वेरी सैड। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, एट इस कॉल एवरी वन ऑब्जर्व इट इज राखी बंधन डे। उस दिन को वो लोग ने ये भी माना था कि राखी बंधन डे, याद करो ब्रिटिश लोगों ने क्यों किया था ये चीज़, पार्टीशन क्यों किया था, ताकि हिंदूज और मुस्लिम सेपरेट हो जाए, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने उसी दिन को क्या किया था, राखी बंधन डे मनाया था। और हम लोगों को सबको पता है राखी बंधन डे का मतलब क्या होता है, तो हर एक व्यक्ति जो लोग रस्से से जा रहे थे, या तो हिंदू हो या तो मुस्लिम हो, कोई भी मतलब ये नहीं देख रहे थे कि ये मुस्लिम है हम लोग नहीं मतलब राखी नहीं बांधेंगे, ये हिंदू है हम लोग राखी नहीं बांधेंगे,
वैसे कोई भी नहीं कर रहा था, जो भी पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब जो भी चल के जा रहा था रास्ते पे, वो लोग को पेडेस्ट्रियंस बोलते हैं, तो वो लोगों को मतलब राखी बांध रहे थे। इवन सिर्फ पेडेस्ट्रियंस को नहीं, वो लोग मस्जिद पे जाकर भी मतलब वो लोग राखी बांध रहे थे। जैसे देखो, दे वेंट टू मस्जिद एट कालूतला एंड चितपुर एंड दे टाइड राखीज टू मौलवीज एंड मेनी अदर मुस्लिम्स। तो इवन मौलवी, जैसे मुस्लिम्स का मौलवी होता है, तो हिंदू लोगों का ब्राह्म मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, पंडित, पंडित बोलते हैं। तो ये यही चीज़ है। तो उन लोगों को भी मतलब राखी बांधा गया था। नेक्स्ट, प्रोटेस्ट मीटिंग इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट मीटिंग रखा गया था। अगर सोचो, अगर ब्रिटेन ने ऐसे कर दिया तो हम लोग क्या ऐसे चुपचाप रहेंगे बिना खा के, बिना कुछ ये करके? सब लोग में, सब लोग ने मिलकर हर एक जगह में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बड़ा बड़ा मीटिंग रखा गया था कि हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू गो टू स्कूल बेयरफुट अंटिल द प्रपोजल इज कैंसल एंड स्ट्राइक इन द आफ्टरनून। तो स्टूडेंट्स लोगों ने ये भी प्लान किया था कि हम लोग आज से हम लोग स्कूल जाएंगे, लेकिन हम लोग बेयरफुट जाएंगे। बेयरफुट, बेयरफुट मतलब खाली पैर, खाली पैर पे वो लोग स्कूल पे जाएंगे, विदाउट एनी चप्पल्स, विदाउट एनी शूज। और पूरा दोपहर से, दोपहर से वो लोग ने स्ट्राइक शुरू कर दिया था। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया स्ट्राइक इन द आफ्टरनून। तो दोपहर से वो लोग ने पूरा स्ट्राइक कर, अक्टूबर 1905 को। और एक काम भी हुआ था, एक हॉल बनाने के लिए एक फाउंडेशन स्टोन पे रखा गया था, और वो स्टोन किसने रखा था? आनंदा मोहन बोस ने। ही लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर फेडरल हॉल। उस हॉल का नाम क्या था? फेडरल हॉल। और ये चीज़ क्यों बनाया गया था, उसी दिन को क्यों रखा था? क्योंकि ये एक सिंबल बन गया था, मतलब सिंबल रखने के लिए, एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड हेरिटेज ऑफ बंगाल। बंगाल का ये यूनिटी बरकरार रखने के लिए वो लोग ने ये फाउंडेशन स्टोन रखा था। उसी दिन को बहुत बड़ा बड़ा पब्लिक रैली भी हुआ था, और बहुत सारे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स भी गाए थे, वंदे मातरम और कुछ अलग अलग पेट्रियाटिक सॉन्ग्स। उसी दिन को हम लोग ये भी देखे थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या था, क्या रखा था? राखी बंधन डे। तो राखी, उन्होंने एक राखी सॉन्ग भी रखा था, राखी बंधन मतलब सॉन्ग भी रखा था, और उस सॉन्ग का नाम क्या था? बांगालीर प्राण, बांगालीर मौन, एक होके भगवान। तो दिस वाज अ पेट्रियाटिक सॉन्ग, दिस वाज अ राखी सॉन्ग, एंड मेनी अदर पेट्रियाटिक सॉन्ग्स वे सॉन्ग ऑन दैट, ऑन दैट डे। दे ऑब्जर्व्ड ईयर लॉन्ग मॉर्निंग। ईयर लॉन्ग मॉर्निंग मतलब सिर्फ उसी दिन को ही वो लोग मॉर्निंग या सैड नहीं थे, वो लोग पूरा ईयर सैड। हर एक इंडियन ये सोचते थे कि स्वदेशी मूवमेंट एक अच्छा प्रोसेस होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्रिटेन्स का कोई भी जो चीज़ है हम लोग इग्नोर करते हैं, कोई भी चीज़ मतलब हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें ब्रिटेन्स को शायद ये पता चलेगा कि वो लोग ने क्या गलती किया है, और शायद वो लोग ये पार्टीशन जो किया था, शायद उस डिसीजन को वो लोग चेंज भी कर सकते थे। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि उस स्वदेशी मूवमेंट क्या क्या हुआ था। तो बहुत पहले से मैं बार बार बोल रही थी कि मतलब क्या क्या किया था वो लोग ने, बॉयकट किया था, फॉरेन गुड्स को बॉयकट किया था, और इंडिजिनस गुड्स तो को वो लोग यूज़ कर रहे थे। इंडिजिनस गुड्स मतलब इंडिया का ही गुड्स को वो लोग यूज़ करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट, लेटर बहुत बाद मतलब पार्टीशन के बाद वो लोग ने और भी कुछ ये स्टार्ट किया, प्रोसेस स्टार्ट किया, जैसे अवॉइडेड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटेन्स का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी रूल्स, जो भी एक्ट्स वो लोग पास कर रहे थे, ये लोग पूरा अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। हम लोग नहीं मानेंगे आप लोगों का बात, हम लोग क्यों मानेंगे आप लोगों का बात, आप लोग कहाँ से नया कहाँ से आ गए और यहाँ पे आके राज कर रहे, ये तो नहीं होगा, तो हम लोग तो नहीं फॉलो करेंगे। दैट्स वाई दे अवॉइडेड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो भी ब्रिटेन्स लोगों ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोला था इंडिया पे, वो लोग पे इंडियंस नहीं जाते थे, और वो लोग स्टॉप कर दिया था, क्योंकि इंडियंस लोग खुद बनाएंगे और खुद मतलब वहाँ पे स्कूल्स पे या कॉलेजेस पे वो लोग खुद जाएंगे। नेक्स्ट, कोर्ट भी जो भी था वो लोग मतलब यूज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब जो भी ब्रिटेन्स का जो भी ऑफिस था वो यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, रिफ्यूज्ड टू पे टैक्सेस। रिफ्यूज्ड टू पे टैक्सेस, गवर्नमेंट लोन्स एक्सेट्रा। तो ये याद रखना, क्योंकि बहुत पहले ब्रिटेन्स लोग तो टैक्स कलेक्ट करते थे ना इंडिया से, और तो इसलिए बोला था कि हम लोग टैक्स भी पे नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से जो हम लोग लोन लिया था हम लोग वापस भी नहीं करेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये था
ये चीज मतलब फिर ये धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट हो गया, सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, ये चीज बन गया था नेशनल मूवमेंट, क्योंकि अभी इंडिया का हर एक कोना से सब लोग सपोर्ट कर रहे थे बंगाल को, जैसे पीपल ऑफ महाराष्ट्र, पीपल ऑफ साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये लोग सपोर्ट कर रहे थे बंगाल को, क्योंकि उन लोगों को ये समझ में आया कि स्वदेशी मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो कंटिन्यू करने से ब्रिटन्स को समझ में आ सकता है कि वो लोग ने सच में गलती किया है. एंड ये फुल फ्लेज्ड सक्सेसफुल मूवमेंट भी बन गया था, क्योंकि इन द वेरी बिगनिंग ये सक्सेसफुल हो गया था ब्रिटन्स के लिए, क्योंकि वो लोग ने तो सोच लिया था कि ये पार्टीशन हो गया, बाप रे बहुत खुश थे. लेकिन इंडियंस लोग वही थे जो मतलब लास्ट पे जीते थे, बिकॉज पार्टीशन नहीं हुआ, वो कैंसिल हो गया था. 6 ईयर्स बाद वो लोग ऐसे स्ट्रगल, मतलब इंडियंस 6 ईयर्स ऐसे ही स्ट्रगल किया था, ऐसे ही मतलब ब्रिटेन के अगेंस्ट फाइट किया था, प्रोटेस्ट किया था, रैली किया था, और बहुत सारे तरीके भी थे जहाँ पे वो लोग मतलब टोटली ब्रिटेन के अगेंस्ट थे. एंड फाइनली आफ्टर 6 ईयर्स उन लोगों को यूनिफिकेशन मिल गया, मतलब बंगाल को पार्टीशन और नहीं किया. तो इसलिए इंडियंस लोग सक्सेसफुल थे, एंड इट वाज अ फुल फ्लेज्ड सक्सेसफुल ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, आप लोगों को 5 मार्क्स का आंसर भी मतलब क्वेश्चन भी मिल सकता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे हम लोग ऐसे 5 टाइप्स पे डिवाइड कर लेंगे. एक है नेशनल लिटरेचर, कि नेशनल लिटरेचर पे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, नेशनल एजुकेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन, नेशनल इंडस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग. तो ये 5 टाइप का हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे कि एक एक फील्ड, हर एक फील्ड में कैसे डेवलपमेंट शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था. भी बोला था कि एजुकेटेड इंडियंस राइटिंग्स के थ्रू दूसरे इंडियंस को ये बोलना चाहते थे कि कैसे ब्रिटन्स लोग टॉर्चर कर रहे थे उन लोगों को, डोमिनेट कर रहे थे उन लोगों को. तो इसलिए राइटिंग्स एक बहुत ही अच्छा वेपन था, जहाँ पे हर एक इंडियन वो लोग पढ़ते थे वो राइटिंग्स जो भी लिखा था. और फिर या तो ऐसा ऐसे भी केसेस होता था जहाँ पे इंडियन एजुकेटेड इंडियंस लोग पढ़ते थे और सब लोग सुनते थे, क्योंकि उस समय तो सब लोग एजुकेटेड नहीं थे ना, तो वो लोग ऐसे भी करते थे. तो ये सब सुनकर वो लोग मतलब इंडियंस लोग और भी ये हो जाते थे कि मतलब एनकरेज हो जाते थे, कि इंस्पायर्ड हो जाते थे कि हाँ सच में ब्रिटिश लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, हम लोगों को एकदम पूरा प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. तो क्या क्या ऐसा राइटिंग्स लिखा था उन लोगों ने और किसने किसने लिखा था, ये हम लोग देखेंगे. नंबर 1 हम लोग देखेंगे कि बंगाली किसने लिखा था. It was edited by Surendranath Banerjee. Next, Sanjeevani Krishna Kumar Mitra ने लिखा था. Next, Hitabadi किसने लिखा था? Kali Prasanna, Kabya Bisharat and Yogendranath Vidyabhushan. तो इन दोनों ने ये चीज़ लिखा था. Next, Yugantar Bhupendra Datta ने लिखा था. Next, Sandhya Brahmabandha Upadhyay, The Don Satish Chandra Mukherjee ने लिखा था. सुप्रभात कुमुदिनी मिश्रा, सो शी इज़ अ गर्ल, ये गर्ल है और ये गर्ल मैगजीन मतलब फीमेल मैगजीन पे लिखा गया था, तो फीमेल्स लोग एक मैगजीन पे भी लिखते थे. तो वंदे मातरम किसने लिखा था? अरविंद घोष. तो ये सब उन लोगों ने लिखा था ताकि इंडियंस को और भी अवेयर कर सके, और भी अलर्ट, इम्पॉर्टेंट प्लेस भी वो लोग लिखे थे. तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर ये सब 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये सब लिख लेना अपने नोट कॉपी में. Important place. Palashir, Prayachitta. किसने लिखा था? हिरोद प्रसाद. हिरोद प्रसाद. नेक्स्ट सिराजुद्दौला. मीर कासिम. मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये इजी रहे. नेक्स्ट गिरीश घोष ने लिखा था ये चीज़, या ये प्ले मतलब गिरीश घोष. नेक्स्ट सब्बास बंगाली. सब्बास बंगाली. नेक्स्ट
ये किसने लिखा था? अमृत लाल बोस। अमृत लाल बोस, बोंगेर अंगशत। ये किसने लिखा था? अमरेंद्रनाथ दत्ता। तो ये सब है इम्पोर्टेंट प्लेस जो कि लिखा गया था उसी समय, मतलब पार्टीशन के बाद। फिर हम लोग और भी देखेंगे फेमस बुक्स क्या क्या था। फेमस बुक्स, जापानी बीयर, स्वर्णा कुमारी देवी, तो इन्होंने ये किताब लिखा था। नेक्स्ट संगीत, प्रमथनाथ राय चौधरी, नेक्स्ट नव्य भारत, कार्तिक चंद्र दासगुप्ता। नेक्स्ट वंगा लखमीर ब्राता कथा, इस किताब को किसने लिखा था? रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी, पहले भी मिला था इनको। रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी। तो ये सब है इम्पोर्टेंट प्लेस और इम्पोर्टेंट बुक्स, मतलब फेमस बुक्स। लोग सॉन्ग्स देख लेते हैं कि सॉन्ग्स में वो लोग क्या क्या लिखा था। ट्वेंटी थ्री पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रिमेन अ ट्रेजर फॉर इंडियन कल्चर। इन्होंने जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स लिखा था वो आजकल भी मतलब बहुत फेमस है, और इसीलिए हम लोग ये इसको क्या बोलते हैं, ट्रेजर फॉर इंडियन कल्चर। ओके, नेक्स्ट हम लोग ये भी देखेंगे कि और क्या क्या सॉन्ग्स लिखा था। अमर सोनार बांग्ला, আমি তোমাকে, ভালোবাসি। তো দিস ইজ আনাদার সং, অ্যান্ড ইয়ে বাদমে ন্যাশনাল অ্যান্থম বন গিয়া থা বাংলাদেশ কা।
तो पहले ये सॉन्ग ही था, पेट्रियाटिक सॉन्ग ही था, लेकिन बाद में जाके ये बांग्लादेश का मतलब नेशनल एंथम बन गया। नेक्स्ट, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, ये गाना आज भी बहुत फेमस है। तो ये गाना भी किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। एंड इट रिसीव्ड एवर लास्टिंग पॉपुलरिटी, यस इट बिकेम वेरी पॉपुलर। नेक्स्ट, songs by Rajnikanth Sen, Mukunda Das, Dvijendra Lal Roy, this is a quite uncommon name, and their songs inspired the Bengalis. Bengalis ko bahut hi inspired kiya ye songs. तो ये सब गाना मिक्सअप मत कर देना हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे कंजस्टेड तरीके से लिखा है, तो ये मिक्सअप मत कर देना। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या गाना वो लोग मतलब गाए थे या लिखा था, ताकि वो लोग और मतलब बाकी सिटीजन्स को जागृत कर। टैगोर ने एक आर्टिकल भी लिखा था और उस आर्टिकल का नाम था भाई भाई एक्ट है, और ये बन गया था एक फेमस आर्टिकल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन में किसने क्या बनाया था। अभिनेन्द्रनाथ ठाकुर, याद रखना ठाकुर टैगोर नहीं। तो अभिनेन्द्रनाथ ठाकुर ने क्या बनाया था, कौन से इंस्टीट्यूशन बनाया था? बोंगियो कला संसद, तो ये था इंस्टीट्यूशन का नाम। एंड ये इट वाज एम टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर इंडियन फाइन आर्ट फ्री फ्रॉम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। इन्होंने ये चाहा था कि इंडियन फाइन आर्ट जो है इसको स्ट्रांगली बनाए या स्ट्रांगली बिल्ड करे, ताकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस फेल हो जाए या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का कोई छाया भी ना पड़े। हम लोग ये देखेंगे कि अभिनेन्द्रनाथ ठाकुर ने क्या किया था। उन्होंने एक ड्राइंग बनाया था और उस ड्राइंग का नाम क्या था, बोंगो माता। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अंडरलाइन फिर से कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे, ही ट्राई टू एस्टेब्लिश इंडियन फाइन आर्ट एट पार विथ वेस्टर्न पेंटिंग। तो वेस्टर्न पेंटिंग जितना ही ऊंचा था, इसका मतलब जितना ही मतलब उसका लेवल था, उस लेवल तक वो राइज करना चाहते थे इंडियन पेंटिंग को, इंडियन आर्ट को, अंडरस्टूड, इंडियन आर्ट को वो उतना ही लेवल पर लाना चाहते थे। इसलिए ये लाइन बोला था एट पार विथ वेस्टर्न पेंटिंग, क्योंकि वेस्टर्न लोग ये सोचते थे कि इंडियन पेंटिंग तो इतना मतलब लो लेवल है, इतना भी उन लोगों का मतलब ये अच्छे से वो लोग ड्रॉ भी नहीं कर सकते, तो वो इतना लेवल तक लाना चाहते थे। नेक्स्ट, सिंस निवेदिता ने क्या किया था, उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था बोंगो माता ट्रांसफॉर्म करके इस नाम को क्या, कौन सा नाम दे दिया, नया नाम भारत माता। इसलिए हम लोग आजकल क्या बोलते हैं, भारत माता, हम लोग बोंगो माता नहीं बोलते। फिर बहुत फ्यूचर में मतलब इन फ्यूचर ये तो और भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो ये हम लोग बाद में। स्वदेशी मूवमेंट का फर्स्ट पार्ट हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया, जो कि था नेशनल लिटरेचर। हम लोग ने इस टॉपिक पर ये देखा कि कौन सा राइटर कौन सा बुक लिखा था, या तो कौन सा आर्टिकल या कौन सा प्ले लिखा था। तो ये सब देखने के बाद ये नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है नेशनल एजुकेशन। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि स्टूडेंट्स लोग भी धीरे धीरे पार्टिसिपेट करने लगे थे प्रोटेस्ट पे, ये लोग बहुत इंटरेस्ट देने लगे, क्योंकि उन लोगों को भी समझ में आ गया था कि ब्रिटन्स लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिटन्स लोग कैसे डोमिनेट कर रहे हैं इंडियंस को। तो बहुत सारे ब्रिटन ऑफिसर्स वो लोग को वार्न किया था, जैसे एक ऑफिसर थे RW कार्लाइल, उन्होंने बहुत बार स्टूडेंट्स को वार्न किया था कि तुम लोग पार्टिसिपेट मत करो, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब वो लोग ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ एक पॉइंट ले लेती हूँ, RW कार्लाइल वार्न्ड स्टूडेंट्स, फिर भी वो लोग ने
नहीं माना, वो लोग क्लास से बाहर निकल के वो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक प्रोटेस्ट रैली भी शुरू किया था जहाँ पे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, और वो था पाटाल दंगा मालिकबाड़ी पर। तो प्रोटेस्ट रैली स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट रैली होगा, ये वाला स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट रैली बाय रविंद्रनाथ टैगोर। बाय रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ पे? एट पाटाल दंगा मालिकबाड़ी। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाया गया था। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम ये चीज़ बनाया गया था, मतलब ये सोसाइटी बनाया गया था ताकि गवर्नमेंट ऑर्डर्स को डिसओबे कर सके। एंटी सर्कुलर सोसाइटी फॉर्म्ड टू डिसओबे ब्रिटेन्स ऑर्डर। तो ये फॉर्म किया गया था ताकि ब्रिटेन्स का जो भी ऑर्डर हो वो ना मान सके। और ये फर्स्ट ऐसा, मतलब ऐसा फर्स्ट ग्रुप था जहाँ पे वो लोग, मतलब ऐसा गवर्नमेंट का ऑर्डर को ना मानने के लिए, मतलब ये फॉर्म किया गया था। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल, मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ, अब्दुल रसूल, हाँ। तो इन सब प्रोमिनेंट लीडर्स ने क्या किया था, ये सब एक स्टूडेंट्स कम्युनिटी बनाया था ताकि वो लोग, मतलब स्टूडेंट्स को और एनकरेज कर सके या तो इंस्पायर कर सके कि तुम लोग ये सब इंस्टीट्यूशन में मत पढ़ो, ब्रिटेन्स लोग हम लोगों को डोमिनेट कर रहे, सप्रेस कर रहे, और तुम लोग यहाँ पे फिर से पढ़ रहे हो, उन लोगों को फिर से मतलब ये कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, उन लोगों का बात सुन रहे हो, हम लोग यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पे ये कर रहे हो, तो उन लोगों को मतलब ये इसलिए स्टूडेंट्स कम्युनिटी बनाया था ताकि ये सब मतलब वो लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मतलब ना जाए, और या ये इंस्टीट्यूशन पे और बाकी सब स्टूडेंट्स लोगों को भी बोले ताकि वहाँ। सतीश चंद्र मुखर्जी, जिन्होंने नेशनल लिटरेचर में हम लोग ने पढ़ा था द डॉन लिखा था, तो चलो उनका बात करते हैं अभी। सतीश चंद्र मुखर्जी, इन्होंने क्या किया था, ओके यहाँ पे लिख देती हूँ, और एडिटर ऑफ द डॉन, चेक कर लेना और एक बार, एडिटर ऑफ द डॉन। तो उन्होंने क्या किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा जो था, यहाँ लिखती हूँ, University of Calcutta was named as House of Slaves. इसका मतलब जो भी स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी पे जाएंगे, इसका मतलब वो किस लोगों का मतलब स्लेव्स है, हाउस ऑफ स्लेव्स, किस लोगों का मतलब स्लेव्स है, ब्रिटेन्स का स्लेव्स है, गुलाम खाना। इसीलिए मतलब उन्होंने ये नाम दिया ताकि मतलब इंडियंस लोगों को, मतलब इंडियन स्टूडेंट्स को ये पता चले कि हम लोग किसी का स्लेव्स नहीं है, हम लोग वो इंस्टीट्यूशन पे नहीं जाएंगे या तो वो यूनिवर्सिटी पे नहीं जाएंगे जिसका मतलब ये फाउंडेशन ये था, ब्रिटेन्स था, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन तो ब्रिटेन्स ने ही शुरू किया था ना, तो इसलिए ये लोग बोल रहे थे कि हाउस ऑफ स्लेव्स, गुलाम खाना, और उन लोगों को ये भी बोल रहे थे कि तुम लोग इंस्टीट्यूशन छोड़ दो, तुम लोग ये यूनिवर्सिटी छोड़ दो, मत जाओ वहाँ पे, मत जाओ, वरना तुम लोग गुलाम बन जाओगे उन लोगों का। नेक्स्ट
ओके, मैं फुल नाम नहीं लिखती हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर एंड चरुदास बनर्जी, इन दोनों के साथ मिलकर कोऑपरेट कर एक डॉन सोसाइटी बनाया था. और डॉन सोसाइटी क्यों, ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन था. टुगेदर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टुगेदर विथ रविंद्रनाथ टैगोर एंड चारुदास बनर्जी क्या क्या था, फॉर्म्ड ए डॉन सोसाइटी, formed a Dawn Society, a national institution. तो ये सब काम सतीश चंद्र मुखर्जी ने किया. 6 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, एस्टेब्लिश, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एस्टेब्लिश्ड बंगो जातीय विद्यालय. एंड मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट. बुलेट पॉइंट्स हम लोग सिर्फ लिखेंगे, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स एंड मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8 अगस्त को क्या हुआ था. ईयर देखना हाँ अच्छे से. इसका मतलब अगस्त पे, इसका मतलब पार्टीशन तब तक नहीं हुआ था, उसके पहले ही मतलब ये लोग फॉर्म किया था. सेकंड जातीय विद्यालय एस्टेब्लिश्ड इन रंगपुर. नेक्स्ट 11 मार्च 1906, अभी 1906 आएगा हाँ, इसका मतलब पार्टीशन के बाद 1906 को क्या हुआ था, नेशनल एजुकेशन काउंसिल वॉज फॉर्म्ड, नेशनल एजुकेशन काउंसिल फॉर्म्ड. जातीय शिक्षा परिषद को भी बोलते हैं इसको, जातीय शिक्षा परिषद. भाई कौन, राज बिहारी बोस. तो ये परिषद, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन काउंसिल, किसने फॉर्म किया था, राज बिहारी बोस ने फॉर्म किया था 15 अगस्त 1906, याद रखना हाँ 6 होगा 1906, 5 नहीं. बंगाल नेशनल कॉलेज वाज एस्टेब्लिश, बंगाल नेशनल कॉलेज बाय अरविंद घोष. ओके, ये बाय अरविंद घोष नहीं होगा, इसका प्रिंसिपल थे अरविंद घोष, फर्स्ट प्रिंसिपल हर समय ए एल होगा, पी ए एल होगा. और पी एल ई इसका मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, पी एल ई अरविंद घोष. December 12, 1906 बंगाल नेशनल कॉलेज इज चेंज्ड टू
नेशनल यूनिवर्सिटी, ये नाम अभी मतलब ये सेम नाम नहीं था, बंगाल नेशनल कॉलेज नहीं था, ये इसका नाम क्या बन गया था, क्या बन गया था इसका नाम, नेशनल यूनिवर्सिटी। तो नेशनल यूनिवर्सिटी बन गया था, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट। एक दो स्कूल्स, एक दो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस बनाते बनाते वो लोग ने बहुत बना लिया था अपने इंडियंस के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 3000 नेशनल प्राइमरी स्कूल्स बनाया गया था, 62 सेकेंडरी स्कूल्स बनाया गया था और ये सब एस्टेब्लिश किया था, हाँ बनाया गया मतलब एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हम लोग ये भी देखेंगे कि बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया था विद द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ तारकनाथ पलित, तारकनाथ पलित के हेल्प से मतलब फाइनेंशियली हेल्प किया था, इसीलिए मतलब ये इंस्टीट्यूशन बना था बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और ये कौन थे, तारकनाथ पलित कौन थे, ये एक रेप्यूटेड बैरिस्टर थे, वो एक बैरिस्टर थे और वो कुछ किसका मतलब बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, अनंदा बोरुआ। अभी अनंदा बोरुआ, बोरुआ मीन्स आसमिस टाइटल, ये आसमिस टाइटल थे है मतलब। और ये कौन थे, ही वॉज द फर्स्ट ICS ऑफ असम, असम का फर्स्ट ICS है ये। और इनके साथ, और इनके साथ बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे, ये दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे। नेक्स्ट इसका जो नाम था मतलब ये इंस्टीट्यूट का जो नाम था, ये बाद में जाकर चेंज हो गया था किस पे, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी पे ये पूरा चेंज हो गया था। नेक्स्ट जो हम लोग ये देखेंगे कि नेशनल यूनिवर्सिटी जो हम लोग पहले पढ़ा था, याद है नेशनल यूनिवर्सिटी जो पढ़ा था, जो पढ़ा था उसी स्टाइल से, जिस स्टाइल से मतलब नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर्म हुआ था उसी स्टाइल से तीन और यूनिवर्सिटी भी फॉर्म किया गया था। वो था बिहार विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ नंबर वन, नंबर टू समर्थ विद्यालय, नंबर थ्री गुजरात विद्यालय। ये कहाँ पे है, गुजरात, ये कहाँ पे है महाराष्ट्र, ये होगा बिहार मतलब पटना, ये महाराष्ट्र। Establish in the style of national university. Establish in the style of national university. Short form मैंने लिख दिया, तो ये समझ में आ गया। पॉइंट हम लोग ने अच्छे से पढ़ लिया है, नेशनल लिटरेचर, नेक्स्ट था नेशनल एडुकेशन, ये दोनों पॉइंट में हम लोग ने अच्छे से पढ़ लिया कि कौन सा किताब लिया है, यहाँ पे लिखा गया था कौन सा प्लेस ड्रामा ये सब लिखा गया था। फिर हम लोग नेशनल एडुकेशन में ये भी पढ़ा था कि कौन सा स्कूल कहाँ पर फॉर्म हुआ था, किसने फॉर्म किया था। नेक्स्ट थर्ड नंबर वाला जो पॉइंट है वो है कंट्रीब्यूशन बाय वुमेन। तो वुमेन लोग ऐसे नहीं थे कि लॉन्ग टाइम बैक मतलब बहुत पहले हिस्ट्री का टाइम था तो इसलिए वुमेन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था, या तो ये भी नहीं बोल सकते थे कि वुमेन लोग सिर्फ मेन को फॉलो कर रहे थे, ऐसा भी नहीं था। वुमेन का खुद का आइडेंटिटी था, वुमेन लोग खुद अपने स्टाइल से ये सब कर रहे थे, अपने स्टाइल से मतलब फाइट कर रहे थे ब्रिटेंस के अगेंस्ट। तो हम लोग चलो देख लेते कि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो मिडिल क्लास अर्बन वुमेन, मिडिल क्लास अर्बन वुमेन, अर्बन मतलब याद रखना ये टाउन एरियाज़ को बोलते हैं और रूरल मतलब विलेज एरियाज, ओके रूरल मतलब विलेज एरियाज। तो अर्बन एरियाज़ का जो अर्बन लेडीज़ है वो लोग एकदम पूरा मतलब फुल फ्लेजेडली मतलब एकदम पूरा ये कर देते हैं, ठान लिया था कि हम लोग फाइट करेंगे, हम लोग मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ मतलब फाइटिंग हम लोग जाएंगे फिर वापस जल्दी जल्दी आ जाएंगे फिर पकाएंगे और खाएंगे, वैसा नहीं था, वो लोग मन से ही वो लोग गए थे वहाँ पर फाइट करने के लिए। नेक्स्ट देखो, तो मिडिल क्लास अर्बन वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, दिस पार्टीशन लेड टू अ स्ट्रगल, लेड द स्ट्रगल टू अ वेल ऑर्गेनाइज्ड लेवल। ओके मिडिल क्लास अर्बन वुमेन पार्टिसिपेटेड इन अ वेल organized manner
well organized manner. एकदम पूरा ऑर्गेनाइज थे वो लोग, ऑर्गेनाइज एकदम पूरा ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन थे, फिर जाके वो लोग फाइट कर रहे थे. नेक्स्ट हम लोग एक देखेंगे प्रोमिनेंट फेमस एक वुमेन लीडर जो थे, सरला देवी चौधरानी. उन्होंने क्या किया था, शी लेट द मूवमेंट इन अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइज various festivals. ओके, तो उन्होंने ये, हाँ, सरला देवी चौधरानी ने उन्होंने ये मूवमेंट को एकदम रेवोल्यूशनरी की तरह मतलब फाइट किया था, एकदम पूरा रेवोल्यूशन बना दिया था इसको. नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि बहुत सारे फेस्टिवल्स भी उन्होंने कंडक्ट किया था ताकि इस फेस्टिवल में बहुत सारा कंपटीशन हो, जैसे फाइटिंग कंपटीशन हो या रेसलिंग कंपटीशन हो या तो यूजिंग स्टिक्स, हाउ टू यूज स्टिक्स. तो ये सब कंपटीशन के थ्रू से ही मतलब वो बाकी बच्चों को, बाकी यूथ्स को ये समझाना मतलब ये सिखाना चाहते थे या तो ट्रेनिंग भी देना चाहते, इनडायरेक्ट ट्रेनिंग देना चाहते थे कि कैसे ब्रिटेंस के अगेंस्ट फाइट करना है. जैसे फेस्टिवल्स क्या क्या था, जैसे बिरस्त में, बिरस तमी व्रत. नेक्स्ट प्रताप द्वितीय उत्सव, रायादित्य उत्सव. नेक्स्ट ये, हाँ ये व्यायाम समिति. ओके, तो ये सब फेस्टिवल्स था. और एडिटेड मैगजीन, एडिटेड ए मैगजीन जिसका नाम था भारती. ओके, तो इन्होंने बहुत सारे बच्चे को भी मतलब ट्रेनिंग दिया था कि कैसे रेसलिंग करना है, कैसे फाइट करना है. सिर्फ लड़के लोगों को नहीं, लड़कियां भी इन्वॉल्व थे, सब लोगों को इन्वॉल्व मतलब इन्वॉल्व किया था उन्होंने. सो वी कैन सी मिडिल क्लास अर्बन वुमेन बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर से पार्टिसिपेट किया था. नेक्स्ट सरला देवी चौधरी ने वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज वेरियस फेस्टिवल्स, एंड इन दिस फेस्टिवल वो लोग ने बहुत ट्रेनिंग दिया, इनडायरेक्टली ट्रेनिंग दिया ताकि ब्रिटेंस को ये पता ना चले, ब्रिटेंस को यही समझ में आए कि हाँ वो लोग फेस्टिवल कर रहे हैं. और नेक्स्ट शी एडिटेड अ मैगजीन, एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैगजीन, इट वाज भारती देवी चौधरानी ने क्या किया था, हम लोग ने ये देख लिया था. नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं कि सिस्टर निवेदिता ने क्या किया था. सिस्टर निवेदिता, उनका रियल नाम क्या था, उनका ये असली नाम नहीं था, उनका रियल नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल. मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, शी वॉज बॉर्न इन आयरलैंड. नेक्स्ट एक्टिवली पार्ट एसोसिएटेड विद यंग मेन्स हिंदू यूनियन. एसोसिएटेड विद यंग मेन्स हिंदू यूनियन. फिर विवेकानंदा सोसाइटी,
नेक्स्ट डॉन सोसाइटी, ये याद है हम लोग ने पढ़ा था पहले, सतीश कुमार मुखर्जी ने फॉर्म किया था डॉन सोसाइटी। नेक्स्ट अनुशीलन समिति, कब किया था पार्टिसिपेट? ड्यूरिंग हर स्टे इन कलकत्ता, ड्यूरिंग हर स्टे इन कलकत्ता, इन कलकत्ता, यस। तो उन्होंने सब यूथ्स को, सब वुमेन को बहुत इंस्पायर किया था, बहुत एनकरेज किया था कि तुम लोग फाइट करो, ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करो। और हाँ, ये भी बोला था कि तुम लोग इंडिजिनस जो इंडस्ट्रीज है, इंडिया पे जो इंडस्ट्रीज मतलब नया नया फॉर्म हुआ था, वहाँ पे काम करो, इंडिपेंडेंट बनो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, या ब्रिटेंस के अंदर काम नहीं करना। पहले तुम लोग जो थे ठीक है, लेकिन अभी खुद इंडिपेंडेंट बन जाओ, ब्रिटेंस के अगेंस्ट मतलब ब्रिटेंस के अंदर काम मत करो। ये सब ब्रेवरी देखकर ब्रिटेंस तो एकदम पूरा हैरान हो गए थे। वो लोग सोच रहे थे बाप रे, वुमेन लोग इतना स्ट्रांग है, इंडिया का वुमेन इतना डिटर्मिंट है कि वो लोग मतलब कुछ मतलब ठान लेने से वो लोग ठान ही लेते हैं, वो लोग मतलब ये बात को नहीं छोड़ते हैं। तो इस बार वो लोग ने क्या ठाना था कि मतलब पार्टीशन हम लोगों को नहीं चाहिए और हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्रोटेस्ट सच में वो लोग कर रहे थे और ब्रिटेंस लोग ये सब देखे, सच में वो लोग एकदम पूरा शॉक्ड हो गए थे, मतलब चौंक गए थे। फिर हम लोग ने ये भी देखा कि ये बात वो लोग ने, उन लोगों का न्यूज़पेपर एक है, उस न्यूज़पेपर का नाम क्या है, डेली टेलीग्राफ, और ये कहाँ पे है, लंदन पे। तो इतना तारीख को मतलब दो साल, पार्टीशन के दो साल बाद 11 अक्टूबर, हाँ फिर से अनलाइन कर दो, 11 अक्टूबर 1907 को क्या लिखा था वहाँ के न्यूज़पेपर में, क्या लिखा था कि बंगाल वुमेन आर द मोस्ट ऑब्स्टिनेट एंड मोस्ट डेंजरस एंटागनिस्ट ऑफ द इंग्लिश। ये बोला था कि बंगाल का वुमेन जो है वो ही सबसे डेंजरस, सबसे मतलब डिटर्मिंड वुमेन है जो, और सबसे डेंजरस वुमेन है जो मतलब ब्रिटेंस का अभी एनिमी बन गया है। क्योंकि अगर ये एनिमी इतना टफ है कि मतलब बहुत हार्ड है ये चीज़ को जीतना, ये प्लान जो हम लोग ने बनाया था ये चीज़ को मतलब बरकरार रखने के लिए, ये बहुत ही हार्ड हो जाएगा। क्योंकि वुमेन लोग वहाँ पे बहुत बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही डिटर्मिंट है, अगर एक चीज़ बोल दिया तो बोल ही दिया। तो ब्रिटेंस को ये समझ में आ गया और इन्होंने मतलब वो लोग ने डेली टेलीग्राफ पे भी लिखा था, और ये वो भी इंडिया पे नहीं, लंदन पे बोला था। नेक्स्ट होगा पॉइंट नंबर 4। ये पॉइंट पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि नेशनल इंडस्ट्रीज कैसे मतलब इंडियंस का नीड्स को, इंडियन का जो भी डिमांड था, कैसे ये फुलफिल किया गया था इंडिया पे ही। क्योंकि फॉरेन गुड्स ये बॉयकट कर दिया था, कोई भी फॉरेन गुड्स यूज़ नहीं करते थे, और इंडियन चीज़ कैसे इंडिया में बनता था, क्योंकि ये शुरू से थोड़ा थोड़ा करके मतलब बड़ा हुआ ना, तो छोटा सब इंडस्ट्री, फिर धीरे स्मॉल इंडस्ट्री, फिर मीडियम स्केल इंडस्ट्री शुरू होने लगा था, मतलब इंडिया पे एस्टेब्लिश होने लगा था, और छोटा छोटा सब प्रोडक्ट्स भी मतलब ये हो रहा था, प्रोड्यूस भी हो रहा था। तो चलो अभी और भी कुछ देख लेते हैं क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो मैंने नेशनल इंडस्ट्रीज नंबर 4 याद रखना, नंबर 4 नेशनल इंडस्ट्रीज, डिमांड फॉर लोकल गुड्स। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डिमांड फॉर लोकल गुड्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्या, इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन नहीं लिख देती हूँ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये लिखते वक्त ये अच्छे से लिख लेना, मैं ये सिर्फ बुलेट पॉइंट दे रही हूँ, ये लिखते वक्त अच्छे से पैराग्राफ बना के सुंदर करके लिख लेना। नेक्स्ट होगा नेशनल बैंक्स एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, नेशनल बैंक्स
एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज, नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज केम इनटू एग्जिस्टेंस. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्वदेशी भंडार भी बनाया गया था. और ये क्या था, ये रेप्यूटेड एक टेक्सटाइल फर्म था और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने. स्वदेशी भंडार, स्वदेशी भंडार शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, by Rabindranath Tagore. It was a reputed textile firm. Was a reputed textile firm. Next, Indian store. Established by Yogesh Chandra Chaudhary. Established by Yogesh Chandra Chaudhary. Krishna Bihari Sen and Krishna Bihari Sen. कौन सी जगह पे हुआ था ये? इंडियन स्टोर कहाँ पे था? बहु बाजार. और ये कहाँ पे था? कलकत्ता. लक्ष्मी भंडार Started by Sarala Devi. Who was she? ये कौन थे? Tagore's family member. Okay. यहाँ पे लिख देती हूँ R. T's family member. R. T's family member. R. T. मतलब Rabindranath Tagore के family member थे Sarala Devi. नेक्स्ट, ये कौन सी जगह पे हुआ था, मतलब कौन से जगह पे ये भंडार खोला गया था? कॉर्नवेलस स्ट्रीट. कॉर्नवेलस कॉर्नवेलस स्ट्रीट नियर विधान सरणी. तो ये सब देख लो अच्छे से. डिमांड फॉर लोकल गुड्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, नेशनल बैंक्स एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब जस्ट शुरू किया था उस समय. स्वदेशी भंडार खोला गया था, फिर इंडियन स्टोर्स, लक्ष्मी भंडार किसने ये किया था, कौन से जगह पे किया था, ये सब अच्छा बहुत अच्छे से याद. भी इंडस्ट्रीज बने थे जैसे यूनाइटेड बंगाल स्टोर्स, यूनाइटेड बंगाल stores at Lal Bazaar, at Lal Bazaar किसने शुरू किया था ये चीज, established by Abdul Halim, Abdul Halim Ghaznavi. तो देखा, बहुत हिंदू सब मुस्लिम्स मिलकर ये सब कर रहे थे, मिलकर पार्टीशन के बाद, मतलब ये सब स्टेप्स ले रहे थे. नेक्स्ट, हैवी इंडस्ट्रीज. हैवी इंडस्ट्रीज प्लांट बाय जगदीश चंद्र बोस. प्लांट बाय जगदीश चंद्र बोस. ये
ये अकेले नहीं थे क्योंकि हैवी इंडस्ट्री था ना, हैवी इंडस्ट्री था तो वो अकेले नहीं कर पाए, तो जगदीश चंद्र बोस थे, फिर प्रफुल्ल चंद्र रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, नील रतन सरकार एक्सेट्रा। नेक्स्ट बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल, एस्टेब्लिश बाय नील रतन सरकार। डायरेक्ट ऐसे दे देती हूँ सो समझ में आ जाएगा। ऑन फर्स्ट अगस्त 1906, याद रखना 1906 को ही। नेक्स्ट बंगाल केमिकल्स, बंगाल केमिकल्स बाय ACHARY आचार्य, प्रफुल्ल राय। तो ये किसने स्टार्ट किया था? आचार्य प्रफुल्ल राय ने स्टार्ट किया था ऑन 25th जुलाई 1906। नेक्स्ट आयरन फैक्ट्री, एस्टेब्लिश्ड बाय जमशेदजी टाटा इन 1907 को ये स्टार्ट किया था। नेक्स्ट ओके, तो ऐसे करते करते वो लोग ने बहुत इंडस्ट्रीज शुरू कर दिया था, बहुत स्टोर्स, बहुत केमिकल। देखो यहाँ पे केमिकल इसका मतलब मेडिसिन के बारे में है, ये सब कॉटन मिल, ये सब कपड़े के बारे में, हैवी इंडस्ट्रीज, आयरन इंडस्ट्री, ये सब बहुत हैवी। तो वो लोग ने सिर्फ छोटा छोटा इंडस्ट्री या फैक्ट्री नहीं बनाया था, या तो मीडियम स्केल इंडस्ट्री नहीं बनाया था, ये लोग ऊंचा लेवल पे भी गए थे, ये लोग हैवी इंडस्ट्रीज बनाने के लिए भी स्टेप लिया। कैसे एक के बाद एक इंडस्ट्री डेवलप हो रहा था, एक के बाद एक कैसे एस्टेब्लिश हो रहा था और सब लोग मिलकर काम कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग और एक बात भी देखेंगे, नंबर ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स बिकेम लो। बहुत पहले इम्पोर्ट बहुत करते थे, इम्पोर्ट मतलब बाहर से कुछ चीज़ यहाँ लाना, और एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से इंडिया से बाहर भेजना। जैसे असम में ये टी बहुत अच्छे से होता है, तो टी यहाँ से इतना सारा टी तो मतलब असामीस लोग नहीं खा सकेंगे, या असम के लोग नहीं खा सकेंगे, तो इसलिए यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे स्टेट्स पे या तो दूसरे कंट्रीज़ पे। तो इम्पोर्ट मतलब बाहर से चीज़ों को लाना। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये बहुत लो हो गया था, और ये नंबर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, एग्ज़ाम में ये मत लिखना, NO मत लिखना, NUMBER पूरा लिख लेना। नेक्स्ट हम लोग ने ये भी देखा कि फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियल समिट, समिट मतलब क्या है, एक मीटिंग भी रखा था जहाँ पे सब इंडस्ट्रियल लोग भी मतलब वहाँ पे थे। कब रखा गया था ये? ऑन 17 दिसंबर 1905 को ही हुआ था, पार्टीशन के बाद। कौन सी जगह पे? एट वाराणसी। ये एक पॉइंट है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ RC दत्त, उनके अंडर ही मतलब उन्होंने प्रिसाइड किया था, उनके अंडर ही मतलब ये मीटिंग रखा गया था। एंड मूवमेंट ओपन्ड अ न्यू चैप्टर इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस। हाँ सच में ये इंडियन इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए ये बहुत ही बड़ा एक स्टेप था, क्योंकि बहुत पहले वो लोग ब्रिटेन के ऊपर डिपेंडेंट थे, ब्रिटेन से वो लोग इम्पोर्ट करते थे, लेकिन अभी उन लोगों का खुद का एक ये इंडस्ट्री है, खुद डेवलप करते हैं, खुद एस्टेब्लिश करते हैं, और फिर सेपरेट जगह पे वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसी तरह हम लोग इंडियंस कैसे मतलब डेवलप कर रहे थे, यही हम लोग ने देखा। ये था स्वदेशी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। वो लोग ने ये प्लान किया था कि वो लोग फॉरेन गुड्स यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए ये सब डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट में हम लोग चार पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ लिया है, और वहाँ पे हम लोग ने ये देखा कि
हम लोग अपोज कर रहे थे ठीक, लेकिन हम लोग साइड बाय साइड खुद का भी डेवलपमेंट हो रहा था, मतलब इंडियंस का भी डेवलपमेंट हो रहा था ऑन द अदर हैंड. तो लास्ट जो पॉइंट है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग. तो ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग क्यों क्यों, क्योंकि हम लोग तो बाकी सब में देखा कि हाँ हम लोग अपोज कर रहे थे, स्वदेशी मूवमेंट फॉलो कर रहे थे, लेकिन साइड बाय साइड ये भी डेवलप हो रहा था, इकॉनमी भी डेवलपमेंट हो रहा, सब कुछ मतलब ठीक ही था. लेकिन अभी सेपरेट करके ये मुस्लिम लीग क्यों, वो लोग तो सब लोग मिलके, हिंदू और मुस्लिम सब लोग मिलके ही मतलब स्वदेशी फॉलो कर रहे थे ना, तो ये सेपरेट करके मुस्लिम लीग क्यों एस्टेब्लिश किया गया, क्यों हिंदूज एंड मुस्लिम मतलब एक साथ क्यों नहीं. तो इसलिए अभी नेक्स्ट ब्रिटेंस ने क्या किया था, ब्रिटेंस ने सोचा मतलब लॉर्ड कर्जन और उनके ग्रुप ने सोचा था कि हम लोगों का मेन रीज़न क्या था, पार्टीशन. पार्टीशन क्यों करना है, डिवाइड करना है हिंदूज और मुस्लिम्स को. तो लॉर्ड कर्जन ने सोचा था अरे ये पार्टीशन करने के बाद भी ये लोग मतलब ठीक नहीं हुए, ये तो सब लोग मिलके स्वदेशी मूवमेंट कर रहा है, स्वदेशी कर रहा है, और फिर हम लोगों का गुड्स भी यूज़ नहीं कर रहे, तो हमारा लॉस हो रहा है, तो हम लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब ब्रिटिश लोगों को तो कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये सब ठीक हो जाए, ताकि सच में सब लोग मतलब सेपरेट हो जाए. तो फिर से यही पॉइंट को ही पकड़ा लॉर्ड कर्जन और उनके मेम्बर्स. और फिर अभी वो लोग कहाँ पे गए, मतलब फेब्रुअरी 1904 का कहाँ पे गए वो लोग, ईस्टर्न बंगाल. याद है मैंने बोला था कि बंगाल जब डिवाइड हुआ था, ईस्टर्न बंगाल एक था और वेस्टर्न बंगाल एक था. ईस्टर्न बंगाल में कौन लोग ज़्यादा थे, मुस्लिम्स लोग, और इस तरफ कौन थे ज़्यादा, हिंदूज लोग. तो हिंदूज पॉलिटिकली ज़्यादा कॉन्शियस थे और मुस्लिम्स इस तरफ वो लोग लेस पॉलिटिकली कॉन्शियस थे. तो इस तरफ प्रोटेस्ट ज़्यादा चल रहा था, उन लोगों को भी बोल रहा था, वो लोग भी आ रहे थे. लेकिन लॉर्ड कर्जन और उनके मेंबर्स ने क्या किया, फेब्रुअरी 1904 को वहाँ पे कैंपेन करने के लिए गया, और ढाका, चट्टग्राम, मयमनसिंह ये सब जगह पे वो लोग कैंपेन किया. कैंपेन करने के बाद वो लोग ने ये बोलना चाहा उन लोगों को कि अगर आप लोग हमारा साथ देते हैं, मतलब ब्रिटेंस का साथ देते हैं, तो हम लोग आप लोगों को बहुत बेनिफिट देंगे, बहुत बेनिफिट देंगे. अंडरस्टूड. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 18 फरवरी 1904 को क्या हुआ था. वो लोग ने एक बड़ा रैली शुरू किया था, याद है, लॉर्ड कर्जन एंड मेंबर्स और मुस्लिम्स को लेके यहाँ पे बहुत बड़ा रैली शुरू किया था. और उन लोगों को रैली में उन लोगों को बोला, मतलब मुस्लिम्स लोगों को बोला कि आप लोग हिंदूज़ के अगेंस्ट हो जाओ, हिंदूज़ के अगेंस्ट हो जाओ. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, उन्होंने किसके थ्रू से मतलब ये बहुत ये किया था, क्योंकि मुस्लिम्स का भी एक लीडर होगा ना, तो कौन से मुस्लिम के हेल्प से मतलब उन लोगों मुस्लिम्स लोगों को अप्रोच किया था, ये था नवाब सलीमुल्ला खान. नवाब सलीमुल्ला खान के हेल्प मतलब थ्रू से वो लोग मुस्लिम्स को अप्रोच करना चाहते थे. तो नवाब सलीमुल्ला खान, लॉर्ड कर्जन दे देती हूँ यहाँ पे, लॉर्ड कर्जन, अप्रोच्ड मुस्लिम्स थ्रू हिम, आस्क्ड देम, शॉर्ट में लिख रही हूँ, आस्क्ड देम टू बी अगेंस्ट the Hindus. Okay, on नहीं, यहाँ पे मैं डेट लिख देती हूँ, 18 फेब 1904. ओके, 18 फेब 1904, आस्क देम टू बी अगेंस्ट द हिंदूज. फिर लॉर्ड कर्जन अप्रोच मुस्लिम्स थ्रू हिम, कैंपेन्ड ब्रिटन्स campaigned in Dhaka, Chittagong, Mymonsingh, etc.
ओके इवन इनको इनको कितना कितना पैसा दिया पता है, 14 लाख रुपीस दिया था और विद मिनिमम इंटरेस्ट, इतना पैसा भी दिया था और ये बोला कि आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं चाहिए, एकदम थोड़ा सा इंटरेस्ट देके मतलब ये पैसा भी दे दिया। और लैंडलॉर्ड को, मुस्लिम लैंडलॉर्ड को भी बोला कि आप लोगों को हम लोग बहुत फैसिलिटी देने वाले हैं, बहुत फैसिलिटी। तो देखो वो लोग मतलब टेम्प्टेड हो गए, मतलब वो लोग ये मतलब जाल में फंस गए, ब्रिटेन्स का ये जाल पे फंस गए और वो लोग रेडी हो गए थे। या द मुस्लिम्स अग्रीड विद कर्जन्स व्यू पॉइंट एंड थॉट दैट दिस वुड बी अ गुड चांस फॉर सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट। तो मुस्लिम्स लोगों ने, क्योंकि वो लोग लेस पॉलिटिकली कॉन्शियस थे, तो वो लोग ने सोचा कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, हम लोग ऐसे ही सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एस्टेब्लिश हो सकते हैं, तो यही एक उपाय है। और वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग और स्वदेशी मूवमेंट फॉलो नहीं। उस दिन के बाद लॉर्ड मिंटो थे नेक्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया और उन्होंने कुछ रूल्स को रिफॉर्म भी किया था। रिफॉर्म इसका मतलब जो रूल्स ऑलरेडी है उसको थोड़ा सा चेंज करना। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया था ताकि मतलब वो जिस प्रोसेस पे मतलब रूल हो रहा था उसको थोड़ा सा चेंज किया था। इसीलिए ही मेड ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया था। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि याद है लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था उन लोगों को, मुस्लिम्स लोगों को क्या भड़काया था। हाँ, भड़काया था हिंदूज के अगेंस्ट। तो मुस्लिम्स अभी वो लोग सोच रहे थे कि ये चलो एक काम करते हैं, ये आइडिया जो ब्रिटेन्स ने दिया है वो तो अच्छा ही है, तो एक व्यक्ति से डिस्कस कर लेते हैं। वो थे विलियम आर्चबोल्ड एंड ही वाज द प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़ कॉलेज। वो थे प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़ कॉलेज। उन लोगों उनसे मतलब मुस्लिम्स ने पूरा डिस्कस किया ये मैटर के बारे में। डिस्कस करने के बाद वो लोग ने एक पेटिशन भी बनाया। पेटिशन मतलब एक अग्रीमेंट जहाँ पे बहुत लोग साइन भी करते हैं तो उसको पेटिशन बोलते हैं। वो लोग ने एक पेटिशन भी बनाया और यहाँ पे वो लोग क्या बोल रहे थे, दे डिमांडेड अ सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर फॉर मुस्लिम्स। दे वांटेड अ सेपरेट इलेक्ट्रेट। इलेक्ट्रेट का मतलब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बोल सकते हैं, या तो एक अलग सा मतलब पावर चाहिए उन लोगों को जहाँ पे वो लोग खुद इलेक्शन कंडक्ट कर सकते। वो लोग ने साइन किया था, ये उन लोगों ने किसको सबमिट किया, लॉर्ड मिंटो को सबमिट किया। कहाँ पे जाके वो लोग सबमिट किया था, शिमला पे जाके सबमिट किया था और 1 अक्टूबर 1906 को ये सबमिट किया था। वहाँ पे 35 मेंबर्स प्रेजेंट थे और उन लोगों का लीडर था, कि अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो है ईस्टर्न बंगाल के बारे में। याद है ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल, तो हम लोग यहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे कौन आया था, लॉर्ड कर्जन यहाँ से यहाँ गए थे ताकि उन लोगों को भड़का सके, ताकि वो लोग एकदम पूरा इतना हम लोग फैसिलिटीज देंगे। वो लोग बोल रहे थे ना, लॉर्ड कर्जन बोल रहे थे ना कि हम लोग इतना फैसिलिटी देंगे, ये देंगे, आप लोगों का अलग सा मतलब पावर दे देंगे। तो वो लोग सच में भड़क गए, वो लोग सच में मान लिया कि ब्रिटेन्स लोग उन लोगों को बहुत पावर देने वाले हैं। और सच में वो लोग तो पॉलिटिकली लेस कॉन्शियस भी थे, तो उन लोगों ने मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग्स रखा। देखो अभी मीटिंग कहाँ पे रखा गया, ढाका पे रखा गया, 30 दिसंबर 1906 को पे रखा गया था। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, नवाब सलीम उल्ला ने। नेक्स्ट प्रिसाइड किसने किया था, प्रिसाइड मतलब जो मीटिंग में जो भी बोलते हैं उसको ये बोलते हैं, मतलब प्रिसाइड बोलते हैं। इट वॉज प्रिसाइड बाय नवाब बिकर उल मुल्क ने, उन्होंने जो भी बोलना बोला। और फाइनली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड। तो ये एक बहुत बड़ा एक पार्टी फॉर्म हो गया था और उस पार्टी का नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो सिर्फ मुस्लिम्स के बारे में ही सोचेगा ईस्टर्न बंगाल पे। एनएस का मतलब नवाब सलीमुल्ला डिक्लेयर्ड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये जो पार्टी अभी फॉर्म हुआ इसका तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा रहेगा ना। तो तीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। एक है इंक्रीज सेंस ऑफ लॉयल्टी अमोंग द मुस्लिम्स एंड ब्रिटेन्स। तो हम लोग यहाँ पे इंक्रीज सेंस ऑफ लॉयल्टी ये अंडरलाइन करने से आप लोगों को मतलब ये याद रखेगा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इंक्रीज सेंस ऑफ लॉयल्टी, फिर आप लोग बना बना के लिख सकते हैं। तो इसलिए हमें हर पैराग्राफ में हर एक पॉइंट में, हर एक टॉपिक में मैं ऐसे अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे ऐसे करने से, और याद भी ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। जैसे ये इस तरह को क्या हुआ था, ढाका पे मीटिंग हुआ था, इन्होंने ये हुआ था, फिर ये फॉर्म हुआ था, फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होगा, इंक्रीज सेंस ऑफ लॉयल्टी। मुस्लिम्स और ब्रिटेन्स के बीच में लॉयल्टी बहुत होना चाहिए, तो ये था उन लोगों का एम। हम लोग कभी भी मतलब मुस्लिम्स को धोखा नहीं देंगे, जो भी सच है हम लोग उन लोगों को बोलेंगे क्योंकि वो ही हम लोगों का गुरु है। तो मुस्लिम्स लोग वैसे मान रहे थे। नेक्स्ट,
keep Britons aware about the Muslim people's political rights and interest. Keep Muslims aware about Muslim people's political rights and interest. जो भी मुस्लिम लोगों का इंटरेस्ट है, जो भी राइट्स है, वो लोग ब्रिटन्स को खबर करते रहेंगे, वो लोग बोलते रहेंगे उन लोगों को. Next, create sense of unity among the Muslims by removing feelings of being frightened, disgusted and terrorized. तो हाँ, पहले से ही वो लोग बहुत पहले ब्रिटन्स अभी उन लोगों को मतलब ये सब फैसिलिटी देने से पहले वो लोग तो सब लोग ब्रिटन्स के अगेंस्ट ही थे, ब्रिटन्स के अगेंस्ट ही थे. तो अभी नया करके ये चीज़ जो फॉर्म हो गया, अभी फट करके मतलब लॉयल हो जाएंगे, गुड फ्रेंड्स बन जाएंगे ब्रिटन्स के साथ. तो इसीलिए यही बोला कि मतलब कोई भी यहाँ पे डरना नहीं चाहिए, कोई भी मतलब डिस्गस्टेड या टेरराइज फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एकदम स्ट्रांग बॉन्ड रहेंगे अभी मुस्लिम्स और ब्रिटन्स, ये कन्फ्यूज मत हो जाना. तो इसलिए क्या बोला यहाँ पे, क्रिएट सेंस ऑफ यूनिटी, हम लोग इतना यूनाइटेड हो जाएंगे, इतना हम लोग उन लोगों से मतलब अच्छे से बिहेव करेंगे, करेंगे नहीं मतलब सच में वो लोग इतना अच्छे से बिहेव करेंगे ही. एंड बाय रिमूविंग फीलिंग्स ऑफ फ्राइटेंड, जो भी हम लोग डर जो भी हम लोग में जो डर था ब्रिटन्स के ऊपर, वो हम लोग को डिलीट या तो मतलब इग्नोर करना पड़ेगा. अभी हम लोग डर नहीं सकते ब्रिटन्स को, क्योंकि वो लोग हम लोगों का अच्छा भलाई ही चाहते हैं. तो इसलिए हम लोगों को बहुत सारा बेनिफिट भी. कर्जन के बाद न्यू वायसराय कौन था, वो था लॉर्ड मिंटो, ये पहले भी मैंने बोल दिया था. और नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये भी तो चेंज होगा, तो ये कौन थे, ये थे लॉर्ड मोरले. तो ये दोनों बहुत ही सेटिस्फाइड थे. अभी सेटिस्फाइड क्यों थे, ये दोनों स्वदेशी कर रहे इसलिए नहीं, क्योंकि मुस्लिम्स लोग उन लोगों का जाल पे फंस चुके थे. मुस्लिम्स लोग सच में विश्वास करने लगे कि ब्रिटेन्स उन लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी देंगे, उन लोगों को सेपरेट इलेक्ट्रेट चाहिए. तो ये सब फुलफ़िल मतलब वो लोग चाहते थे कि हाँ ठीक है, फुलफ़िल कर देंगे हम लोग ये सब जो भी चाहते हैं ये लोग. क्यों, क्योंकि फुलफ़िल करने से यूनिटी तो ब्रेक होगा, यूनिटी तो ब्रेक होगा. इसलिए अगर नया इलेक्ट्रेट चाहिए तो ले लो, कोई फ़ायदा कोई बात नहीं मतलब. तो इसीलिए वो लोग ने क्या किया था, ठीक है सेपरेट इलेक्ट्रिक पास किया था. और किसके थ्रू, मतलब ऑफिशियली एक एक्ट होगा, एक ऑफिशियली भी तो एक एक्ट के थ्रू से पास करना पड़ेगा ना. तो ये चीज़ था, नया एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट. और इसको दूसरा नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये है मोरले मिंटो रिफॉर्म. ये 1909 को हुआ था, ये रिफॉर्म 1909 को हुआ था. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1910 को उन लोगों का हेडक्वार्टर जो अलीगढ़ पे था, ये अभी कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, लखनऊ पे ट्रांसफ़र हो गया. नेक्स्ट 1911, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ईयर है, क्योंकि हम लोग को पता है कि पार्टीशन कब हुआ था, 1905 के बाद सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे ताकि ये चीज़ कैंसिल हो जाए, ये एक्ट जो मतलब ये चीज़ जो उन लोगों ने पास किया था, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो पास किया था, ताकि वो ना हो, उन लोगों का प्लान ताकि सक्सेसफुल ना हो, इसलिए वो लोग स्वदेशी मूवमेंट हो जो भी हो वो लोग कर रहे थे. तो फाइनली ब्रिटन्स लोग और कंटिन्यू नहीं कर सके, उन लोगों का प्लान वो लोग और कंटिन्यू नहीं कर सके, तो इसलिए पार्टीशन का प्लान जो भी था वो कैंसिल हो गया, रिपील हो गया था. रिपील का मतलब फाइनली कैंसिल कर दिया था ये चीज़ कि हम लोगों को नहीं चाहिए, बंगाल एक साथ ही रहेगा, ये अलग नहीं हो सकता है, हम लोग पार्टीशन जितना भी ट्राई करेंगे ये नहीं हो सकता है कभी. तो इसलिए याद रखना 1905 को पार्टीशन हुआ था, लेकिन 1911 को ये एक्ट रिपील हो गया. रिपील मतलब पूरा कैंसिल हो गया. अंडरस्टूड. तो ये इसमें कौन सक्सेसफुल बन गए थे, इंडियन सक्सेसफुल बन गए थे. इंडियन सच में सक्सेसफुल बन गए थे कि इंडियंस ने इतना फोर्स किया ब्रिटन्स को कि ब्रिटन्स ने अपना प्लान जो किया था वो कैंसिल कर दिया. तो इसलिए 1911 को क्या हुआ था, आफ्टर पार्टीशन, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, आफ्टर पार्टीशन वॉज रिपील्ड. हाँ, आफ्टर पार्टीशन वॉज रिपील. अभी मुस्लिम लीग का क्या होगा, उसका तो इम्पोर्टेंस ही कम होने लगा. इम्पोर्टेंस ऑफ मुस्लिम लीग डिक्लाइंड. नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, डिमाइस ऑफ नवाब सलीमुल्ला. हाँ, सलीमुल्ला याद है, नवाब सलीमुल्ला वो मरने के बाद, उनका मतलब ये होने के बाद, मरने के बाद इसका वैल्यू तो और भी कम हो गया. ये पार्टी जो भी था पहले उसका तो और भी वैल्यू कम हो गया, और बहुत सारा चेंजेस आने लगा, क्योंकि
ब्रिटन्स नहीं थे ना वहाँ पे उस समय, मतलब उन लोगों को सपोर्ट करने में ब्रिटन्स खुद ही फेल हो चुके थे अपना प्लान में, तो कैसे मुस्लिम लोग को सपोर्ट करेंगे? तो इसलिए इसका भी वैल्यू कम होते गया. एंड डिमाइस ऑफ नवाब सलीमुल्ला ब्रॉड ब्रॉड ट्रिमेंडस चेंजेस इन द पार्टी, ट्रिमेंडस चेंजेस इन द पार्टी. तो यहाँ ही हम लोगों का 5 points जो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ ही ख़त्म होता है वो 5 points. लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सा अलग सा है, मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है और मैंने पहले से ही बोला था. तो ये सब 5 points बहुत बहुत टॉपिक जो है स्वदेशी मूवमेंट एंड नेशनल कांग्रेस, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इंडियंस लोगों ने बहुत टाइम वार्न किया था ब्रिटन्स को कि पार्टीशन मत करो, तो यही चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. पहले देख लेते हैं कि 1903 को क्या हुआ था जब पार्टीशन का बात सिर्फ चल रहा था और इंडिया पे ही मतलब वो लोग पब्लिश कर दिया था फाइनली दिसंबर को. तो यहाँ पे 1903 को 19th एनुअल सेशन इसका मतलब मीटिंग रखा गया था और वो हुआ था मद्रास पे. उस सेशन पे INC का जो प्रेसिडेंट थे वो थे लाल मोहन बोस और उन्होंने ब्रिटन्स को वार्न किया था कि आप लोग जो भी मतलब प्लान कर रहे पार्टीशन के बारे में ये सब प्लान आप लोग गिव अप कर दीजिए, आप लोग इसके बारे में कुछ भी मत सोचिए और, क्योंकि हम लोग इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे. नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, दैट मीन्स पार्टीशन इम्प्लीमेंट करने से पहले वो लोग ने क्या क्या किया था. लाला लाजपत राय एंड गोपाल कृष्णा गोखले ये दोनों पर्सनैलिटी वो लोग लंदन पे तक गए थे ताकि उन लोगों को ये बोल सके, मतलब ब्रिटिश लोगों को ये बोल सके कि ये प्लान गिव अप कर दे. ये कौन सा तारीख को गए थे? 6 July 1905 ऑन बिहाफ ऑफ द INC, मतलब INC के मेंबर हो INC मेंबर्स ही थे और वो लोग ऑन बिहाफ मतलब उसके बिहाफ से ही मतलब कहते थे. हिंदी मुझे नहीं आता, ऑन बिहाफ कैसे बोलना है, मतलब वो लोग INC का ही मेंबर थे और मतलब बीइंग INC मेंबर वो लोग वहां पे गए थे उन लोगों को अप्रोच करने के लिए. टू गिव अप द प्लान ऑफ पार्टीशन एंड प्रोटेस्ट पिटीशन साइंड बाय पीपल सेंट टू स्टेट ऑफ गवर्नमेंट. तो वो लोग ने जो पिटीशन रेडी किया था वो पिटीशन वो लोग ने सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को भी सबमिट किया था ताकि ये चीज ना हो, सक्सेसफुल ना हो. तो ये चीज हम लोग ने देख लिया कि मतलब उसके पहले 1903 या तो इम्प्लीमेंटेशन के पहले क्या क्या हुआ. इंडियंस और ज़्यादा ही इंस्पायर्ड हो गए थे और वो लोग सोच रहे थे कि हाँ ये सच में काम किया, ये पॉलिसी जो हम लोग ने सोचा था ये सच में काम किया और हम लोग सक्सेसफुल बन गए, पार्टीशन अभी और नहीं होने वाला. तो ये कौन से ईयर पे हुआ था? ये 1911 पे ही हुआ था और याद रखना आफ्टर 6 years ये पूरा सक्सेसफुल हो गया, इंडियन सक्सेसफुल हो गए थे. नेक्स्ट वो सोच रहे थे कि ऐसे ही ठीक ऐसे ही हम लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट भी मिल सकता है, यानी कि स्वराज हम लोगों को मिल सकता है. तो अभी देखते हैं कि ब्रिटन्स ने और क्या क्या किया था. वो लोग ने एंटी मूवमेंट एक्शंस भी लिया था, तो चलो अभी इसके बारे में देखते हैं. एंटी मूवमेंट एक्शंस, एंटी मूवमेंट एक्शंस यानी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया था ताकि ये चीज़ को मतलब फिर से इंडियंस लोगों को फिर से मतलब ठीक कर सकें. तो नंबर वन हम लोग यहाँ पे देखेंगे In order to achieve loyalty from the INC members, Lord Curzon offered titles, post and medals. तो In order to achieve loyalty from INC members, उन लोगों को क्या ऑफर किया था? टाइटल्स, फिर पोस्ट, मेडल्स. देखो मेरा एस कहाँ है, देखा? पोस्ट मेडल्स एक्सेट्रा. हाँ एक्सेट्रा नहीं होगा, यहाँ पे और भी होगा. पोस्ट ऑफ जजेस, पोस्ट ऑफ जजेस, देन
member of British Parliament, member of British Parliament. Next, member of Viceroy's Council, member of Viceroy's Council, etc. तो ब्रिटेन्स ने फिर से और एक ट्राई किया था. वो लोग ने सोचा था कि ये सब अच्छा अच्छा पोस्ट देने से, इंडियंस लोगों को ये सब पोस्ट देने से वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उन लोगों का बात मानेंगे. दैट मीन्स INC मेंबर्स फाइनली ये चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे. तो INC मेंबर्स तो फिर से वो लोग मुस्लिम लीग की तरह, मतलब वो लोग गलती नहीं करेंगे, तो इसलिए वो लोग ने फिर से एक्सेप्ट नहीं किया इसको. हम लोग और एक पर्सनैलिटी के बारे में भी देखेंगे, बिपिन चंद्रा पाल urged the leaders मतलब इंडियन लीडर्स not to accept the offers and first response किसका था? गोपाल कृष्ण गोखले. उन्होंने क्या किया था? He returned the knighthood title to the Britons. KNIGHT to the Britons. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेस्टिजियस चीज़ होता है, नाइटहुड का जो ऑफ़र है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस होता है. तो इसी चीज़ को उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रिटर्न कर दिया था. उन्होंने बोला कि हम लोगों को ये चीज़ नहीं चाहिए, वी आर सेटिस्फाइड विद आवर ओन पोजिशन एंड आवर ओन डिग्निटी इन इंडिया, वी डोंट वॉन्ट एनी ऑफ योर. फाइनली इतना बड़ा चैप्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल ख़त्म होने वाला है, और ये है लास्ट टॉपिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. तो हम लोग ने देखा ही था कि स्वदेशी मूवमेंट के कारण क्या क्या बेनिफिट हुआ था हम लोगों इंडियंस के लिए. नेक्स्ट हम लोग और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. फर्स्ट है पॉलिटिकल नॉलेज प्लस यूनिटी. पॉलिटिकली इंडियंस तो कॉन्शियस थे ही, प्लस उन लोगों को और भी नॉलेज मिल गया था पॉलिटिक्स के बारे में, कि कौन क्या है, कैसा पॉलिटिक्स ये कर सकता है, ये कॉन्स्पिरेसी कर सकता है, ये सब वगैरह वगैरह. प्लस यूनिटी, उन लोगों को यूनिटी भी, हाँ यूनिटी प्लस बॉन्डिंग उन लोगों का और भी स्ट्रांग हो गया था, उन लोगों मतलब इंडियंस लोगों के बीच में और भी स्ट्रांग हो गया था. नेक्स्ट सम INC मेंबर्स, INC मतलब याद है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस मेंबर्स बिलीव करते थे कि डिमांड्स, अगर ब्रिटेन से कोई कुछ डिमांड करते हैं तो वो पीसफुली डिमांड करने से अचीव किया जा सकता है, अगर पीसफुली किया तो. लेकिन कोई ऐसे भी थे जो लोग बिलीव करते थे कि मतलब पीसफुली हम लोग डिमांड करने से नहीं होगा, हम लोगों को एकदम मास स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर जाके हम लोगों को ये अपना डिमांड फुलफिल कर सकेंगे. नेक्स्ट लॉर्ड कर्जन ने सोचा था कि हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे प्लस एक्सप्लॉयटेशन भी करेंगे साइड बाय साइड. लेकिन INC मेंबर्स ने, फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ, और INC मेंबर्स ने क्या किया था, हम लोग अगर तुम लोग ये करोगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बॉयकट करेंगे. बॉयकट ऑफ व्हाट? फॉरेन गुड्स. हम लोग फॉरेन गुड्स को बॉयकट करेंगे. लास्ट फिर जाके इसका रिजल्ट क्या हुआ था, ये लोग तो बॉयकट किया था, फिर लास्ट पे क्या हुआ था, यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल. कौन से ईयर पे? 1911. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल. तो फाइनली इतना स्ट्रगल करने के बाद, इंडियंस लोग इतना स्ट्रगल करने के बाद स्वदेशी मूवमेंट किया, इसीलिए तो ये चीज़ हुआ ना, ये चीज़ यूनिफिकेशन हुआ. अगर ये लोग नहीं करते तो कहाँ,
हम लोग को ब्रिटेन्स का ये राज ही मतलब उन लोगों के अंडर ही रहना पड़ता, वो लोग डोमिनेट करते, वो लोग टॉर्चर करते और हम लोगों को सुनना पड़ता आज भी. लेकिन इंडियंस उस समय अपना इतना एफर्ट्स दिया था, इतना स्ट्रगल किया था, वो लोग नहीं चाहते थे डिवाइड एंड रूल करे, इसलिए हम लोग सक्सेसफुल बन गए और आज हम लोग सक्सेसफुल हैं. वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री. इसलिए हम लोग बाद में हम लोग ये चीज़ से उन लोगों को इंस्पिरेशन मिला कि अगर हम लोगों को ये मिल सकता है, अगर यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल हो सकता है, तो हम लोग स्वराज के लिए भी फाइट कर सकते हैं, हम लोग एक फ्री कंट्री के लिए भी फाइट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप उन लोगों का क्या था, वी हैव टू फाइट फॉर स्वराज. हम लोगों को स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. पार्टीशन के बाद प्रोटेस्ट, रैलीज, मीटिंग्स, ये सब तो चल ही रहा था. तो 1906 में कलकत्ता पे एक सेशन हुआ था और उस सेशन पे दादा भाई नौरोजी INC मेंबर, INC का मतलब प्रेसिडेंट थे, एंड INC मेंबर्स लोग सब लोग मिलके ये बोल रहे थे कि हम लोगों को स्वराज चाहिए. अभी हम लोग सिर्फ पार्टीशन के लिए फाइट नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को कुछ और रीज़न के लिए भी फाइट करना पड़ेगा, वो जो कि परमानेंट है, और वो है स्वराज. हम लोगों को स्वराज चाहिए, हम लोगों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, क्योंकि हम लोग कितना और ब्रिटेन्स के अंडर रहेंगे. हम लोगों को भी इंडिपेंडेंस चाहिए, हम लोगों को भी राइट है अपने कंट्री पर फ्रीली रहना. तो ये एक पॉइंट याद रखना. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि दो इंसिडेंट्स वुमेन लोगों को बहुत ही इंस्पायर्ड कर दिया था ये स्वदेशी मूवमेंट के दौरान. तो एक था प्रफुल्ल चाकी को जब ये किया गया था, मतलब एग्जीक्यूट किया गया था, तो उस समय सब वुमेन लोग इतना मतलब गुस्सा हो गए थे कि वो लोग मॉर्निंग डे माने थे उस दिन को, और वो लोग ने कोई भी कुकिंग नहीं किया कि इसका मतलब वो भी बोले था कि मतलब नो कुकिंग होगा, मतलब नो कुकिंग ऑन दैट डे. अंडरस्टूड, ये समझ में आया शायद. तो ये था फर्स्ट इंसिडेंट. और नेक्स्ट इंसिडेंट था कि भूपेंद्र नाथ दत्ता ये एडिटर ऑफ द युगांतर, याद है युगांतर लिखा था उन्होंने, मैंने यहाँ पे नेशनल लिटरेचर जब पढ़ाया था उनमें ही देख लेना, चेक कर लेना. तो भूपेंद्र नाथ दत्ता ने युगांतर लिखा था, तो उनको टॉर्चर किया गया था, उनको अरेस्ट किया गया था, प्लस टॉर्चर किया था इतना कि मतलब वो बैडली अफेक्टेड थे. तो उनका मम्मी जिनका नाम था भवनेश्वर देवी, वो बहुत रोए थे. इवन अदर्स भी रोए थे, लेकिन उस समय वो स्ट्रांग हो गए थे और उन्होंने बोला कि मतलब थोड़ा टाइम के लिए रोया था, फिर बाद में ये बोले, खुद ही बोला कि हम लोगों को अभी रोने से नहीं होगा, हम लोगों को इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि हम लोग ब्रिटेन्स को यहाँ से भगा सके और हम लोग मास स्ट्रगल कर सके. मास स्ट्रगल करने से ही ये लोग को मतलब समझ में आएगा वो लोग ने क्या किया था या क्या गलती किया था, फिर जाके उन लोगों को मतलब क्या बोलते हैं उसको अकल ठिकाने में आएगा कुछ बोलते हैं ना, तो मतलब उन लोगों को ये सबक, वो लोग सबक सीखेंगे कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए. तो हाँ, तो इसी तरह ये तो था स्वदेशी मूवमेंट, ये तो था पार्टीशन के लिए. लेकिन नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है नेशनल लेवल. वो था नेशनल लेवल जहाँ पे पार्टीशन यूनिफिकेशन के बाद जब ये पार्टीशन का प्लान जब कैंसिल हो गया था, ब्रिटेन्स लोग फेल हो गए थे अपना प्लान पे, तो नेक्स्ट वो लोग ये सोचा था कि हम लोग अभी कंट्री के लिए फाइट करेंगे, हम लोग एकदम यूनाइटेडली पूरा कंट्री को फ्री करना है, हम लोगों को इंडिपेंडेंटली रहना है. तो तब भी बहुत सारे लीडर्स निकले थे, जैसे महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, नेताजी थे, तो ये सब मेंबर्स लोग थे एंड पीपल दे फॉलोड देम, बिकॉज उन लोगों को पता है कि हमारे जो इंडियन लीडर्स हैं वो लोग अच्छा ही करेंगे इंडिया के लिए, कुछ बुरा नहीं. आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया हो और इसी तरह मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेगा एंड मैं आप लोगों को सपोर्ट करते रहूँगी. थैंक यू.